वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन कैन यू जस्ट कन्फर्म विद कुछ तुमको सुनाई दिखाई प्रॉपरली दे रहा है क्या अब्बा डब्बा ना हो जाए जल्दी से बता दो सब कुछ प्रॉपर है क्या ये आई गैस एवरीथिंग इज प्रॉपर गुड मॉर्निंग साहिल गुड मॉर्निंग सागर <coughs> चलो आई गैस एवरीथिंग इज प्रॉपर गुड मॉर्निंग आयुष प्रचिता किशन श्रेयश श्रीटी गुड मॉर्निंग इंद्रा गुड मॉर्निंग कौशल शुरू कर लू फिर क्योंकि अब देखो, अपने को से आप एक बात बताओ टाइम से शुरू करेगी नहीं करे टाइम से शुरू करेगी नहीं करे जल्दी बताओ अपने को टाइम से चालू करना चाहिए ना भाई जो लोग लेट आए उनकी गलती बोलो यस सर नो हाँ बोलो यस हाँ यस सर हमको तो टाइम से शुरू करना चाहिए चलो ठीक है क्योंकि टाइम पे आने वालों की कदर है हमको है चलो एनी शुरू करते हैं हाँ हाँ शुरू करो बोलते शुरू करो सर रुको मत उनके लिए ठीक है चलो तो मैं शुरू कर रहा हूँ सेशन आज का ठीक है सो वेलकम वेलकम एवरी वन टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ एफ आर आई होप होपरी वन ऑफ अमेजिंग मैं आज का सेशन शुरू करूं उसके पहले मेरा एक सवाल है सबसे पहले बताओ येस्टरडे जो बड़ा उसको रिवाइज किया कि नहीं किया बोलो यस और नो बोलो रिविजन डन ऐसा बोलो फटाफट से बोलो रिविजन डन और जल्दी से बताओ मेरे को देखो रिविजन नहीं किया तो काम नहीं बनेगा भाई बताओ रिविजन डन और नॉट ऐसा लिखना डन करके रिविजन डन चलो सो so, निकिता फरजाना सार्थक से डन श्रुति सेष डन श्रेयांश आदित्य भूषण सेष डन सुरेखा सेष डन सुभाष शिवे राघव इशिता रितिका शिवम एवरी वन से डन देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ किसने किसने रिवीजन किया बहुत और बहुत सारे लोगों ने रिवीजन किया है बराबर ये रिवीजन डन जरूरी क्यों है देखो अल्टीमेटली अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अभी रिवीजन नहीं करोगे आईसीए सी आई महीना देता रहता है रिवीजन करने को है छे छह महीना देता रहता आई से अच्छा अपना छह छह महीना देगा बोला बढ़िया से रिविजन को तो रिविजन नहीं किया ना तो पहले निकल जाओ मती देखो आज का लेक्चर भाई क्योंकि आज पहले दिन पे नहीं करके आए तो बाद में तो क्या ही करोगे तुम पहले दिन पे आदमी की सीरियस समझ में आ जाती है ठीक है क्या तो रिविजन किया तो, तो वेरी गुड नहीं किया ना तो अभी भी सुधर जाओ अभी भी मौका है क्योंकि रिविजन किए बिना तुम किधर नहीं जा रहे हो मतलब तुम कहीं नहीं पहुंच सकते तुमको लगेगा तुम्हारा बैच हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बैच के अंदर ध्यान रखना है बात एकदम अप्रंट बता रहा हूं तुमको ये चीज ठीक है तो आई एम ग्लैड अगर आपने रिविजन किया एम प्राउड ऑफ यू अगर आपने रिविजन नहीं किया है वेरी डिसहार्टेंड दिल तोड़ दिया तुमने मेरा तो अगली बार से करके आना ठीक है चलो इसी बात पे अपन शुरुआत करते हैं सेशन की आज ठीक है येस्टरडे आपने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंडिया जिधर मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स वगैरह सब सिखाई थी ठीक है उसके ऊपर अपन ने सारे क्वेश्चन के चैप्टर भी अपन ने खत्म कर दिया अब उसी चैप्टर के नीचे मैंने एक और चीज दे रखी है स्केड्यूल थ्री डिवीजन टू है ना स्कड्यूल थ्री डिविजन टू क्या होता है स्कड्यूल थ्री का फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बनता है ना पता है ना अपने को अरे यस और नो शेड्यूल थ्री के हिसाब से बैलेंस शीट वगैरह बनती है ठीक है तो बस उसी का फॉर्मेट दे रखा है आप बोलोगे सर क्या बचकानी चीजें सिखा रहे हो हमको तो आता है स्केडूल थ्री का फॉर्मेट अरे जो आपको फॉर्मेट आता है ना वो एस पर एस आता होगा एस पर इंडेक्स थोड़ा सा फर्क है तो स्केड का फॉर्मेट अपने एज पर कौन सा पढ़ना पड़ेगा अपने को सिलेबस में ए है कि इंडेस है फटाफट से मेरे को बताओ अपने सिलेबस में ए सर है? है तो फॉर्मेट भी कौन सा वाला पढ़ना पड़ेगा इंडेस वाला पढ़ना पड़ेगा सर क्या क्या फर्क है बस वही फर्क डिस्कस करूंगा आपके साथ ठीक है तो स्केड्यूल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा ऐसा नहीं है कि एकदम ही डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिकॉज जब तक आपको इंडेस नहीं आएंगे हर एक पॉइंट का ज्यादा मतलब समझ में आएगा नहीं बट मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर दे पाऊंगा जिसकी वजह से अपन आगे चैप्टर से प्रोसीड कर पाएंगे क्लियर डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप रिस्पेक्टिव चैप्टर में गेन करते हुए चलेंगे उसके टेंशन ले मत लेना क्लियर है क्या है वाला पाठीर लोग चलो तो इसी के इसी के साथ फटाफट से आओ किताब में आओ और नाम दो स्केड्यूल थ्री क्या नाम दोगे स्केड्यूल थ्री लिखो स्केड्यूल थ्री फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम दे दो ये नामकरण करो फटाफट भट से ठीक है सर एएस का फॉर्मेट भी स्केड्यूल थ्री के हिसाब से बनता था ना हाँ तो अब स्केड्यूल थ्री में ना दो डिविजन होते हैं ठीक है दो डिविजन ऐसा बांट दो, दो पार्ट में इसको दो पार्ट में बांट दो एक होता है डिविजन वन एक होता है डिविजन वन डिविजन वन यूज टू गिव द फॉर्मेट ऑफ एएस डिवीजन वन एएस का फॉर्मेट दिया करता था ठीक है और एक होता है डिविजन टू डिविजन टू डिविजन टू द फॉर्मेट ऑफ इंडेस डिजन टू गिव फॉर्मेट ऑफ इंडिया क्लियर ठीक है यह नया चैप्टर मत मानो आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंडिया का एक पार्ट मान लो स्के फॉर्मेट में क्या होता था पहले वो समझ लो ये तो फॉर्मेट आपको आना चाहिए ना ठीक है तो बताते हुए भी, भी चलो लिखते हुए भी, भी चलो हल्का हल्का ठीक है एक रफ डिस्कशन करूंगा ए एस के फॉर्मेट में क्या होता था ए एस में बताओ सबसे पहले अपन क्या लिखते थे सबसे पहले अपन इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते थे बराबर इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा फिर उसमें अपन पहले इक्विटी का डिस्कशन करते थे इक्विटी में पहले आपको याद था था शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड था पहले शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के दो हिस्से बराबर शेयर कैपिटल के दो हिस्से एक माँ के दो बेटे एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक कैपिटल शेयर कैपिटल के दो हिस्से एक इक्विटी शेयर कैपिटल एक प्रेफरेंस प्रेफरेंसिटलिटी उसके बाद, उसके बाद हाँ. वाले लाइबिलिटी में दो एलिमेंट एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी बराबरिटी में बहुत सारे आइटम्स आते थे करंट में बहुत सारे आइटम्स आते थे वो सब देख लेंगे बाद में फिर अपन इसका टोटल लिखते थे फिर सेकेंड एलिमेंट अपना होता था असेट्स बराबर क्या फिर में में क्या आते थे में वापस आता था नॉन करंट करंट ठीक है तो नॉन करंट करंट फिर फिर अपन अपन टोटल लिखते थे फिर चेक करते थे टैली हुआ कि नहीं हुआ जो जिंदगी में कभी होता नहीं था अब होगा अब होगा अगर नहीं हुआ तो होगा और होता था तो वेरी गुड अभी भी होगा ठीक है एनीवेज तो ऐसा कुछ फॉर्मेट एएस के हिसाब से अपने को दिया गया था अरे यस और नो यस ठीक है सर अब आते हैं इंडेस के फॉर्मेट में सर इंडेस में क्या फर्क है ज्यादा फर्क नहीं थोड़ा सा फर्क है सुन लो क्या फर्क है तो एक लाइन बना देता हूं मैं एक लाइन मार लेता हूं लाइन तुम इधर ही मार सकते हो और कहीं मारोगे आ जाओ तुम्हारी जिंदगी में यही लाइन मारना लिखा है सर देखो पर्सनल मत हो सॉरी इधर आ जाओ <laughs> बैलेंस शीट अब इंडेस में क्या फर्क है सुनना इंडेस बोलता है हम इक्विटी एंड लाइब्रेरी शुरू नहीं करेंगे नाम उन्ना ना इंडेस ने फॉर्मेट ही थोड़ा चेंज कर दिया वो बोलते हैं हम शुरू करेंगे असेट साइड से हम शुरू करेंगे असेट साइड से तो पहले आता है इंडेक्स के बैलेंस शीट में अट्स कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लेना जिसको इंडेक्स एप्लीकेबल है उसने शुरू असेट से किया रहेगा ठीक है ठीके? ध्यान रखना तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है ये सबसे पहला फर्क फिर असेट्स में आएंगे नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स असेट्स में आएंगे नॉन करंट असेट करंट असेट ले टोटल तो लिख दिया बराबर फिर दूसरा अपन लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी दूसरा अपन लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी ठीक है फिर इसमें सबसे पहला आएगा इक्विटी अब सुन लेना अब सुन लेना इक्विटी में पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा पहला इक्विटी शेयर कैपिटल देखो एस में क्या होता था एस में हमार शेयर कैपिटल लिखते थे और फिर हम उसको बांटते थे बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस इधर हम सिर्फ इक्विटी कैपिटल लिखते हैं सर फिर प्रेफरेंस कैपिटल कहां जाएगा नहीं पता वो मैं एक चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि प्रेफरेंस कैपिटल कहां जाएगा अभी मत डिस्कस करो ठीक है सर कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके तो इक्विटी कैपिटल लिख दिया उसके अलावा हम ए एस में क्या लिखते थे रिजर्व एंड सरप्लस इधर हम रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड यूज नहीं करेंगे इधर हम वर्ड यूज करेंगे अदर इक्विटी क्या वर्ड यूज करेंगे अदर इक्विटी सर अदर इक्विटी क्या होता है जैसे अपन एस में बोलते थे रिजर्व एंड सरप्लस वैसे यहां इसको बोलते अदर इक्विटी तो सर नाम चेंज क्यों कर रहे हो रिजर्व एंड सरप्लस ही बोल देते नहीं नाम बोलते वो ही यूज करना सर फर्क है क्या कुछ थोड़ा सा फर्क है अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो ऐसा समझ लो अगर रिजर्व एंड सरप्लस का स्कोप इतना है तो अदर इक्विटी का स्कोप इतना है बड़ा स्कोप है अदर इक्विटी इज मच मोर वाइडर इन स्कोप मतलब अदर इक्विटी में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं है ना? तो ऐसा मान लो रिजर्व सब्लस इज पार्ट ऑफ अदर इक्विटी बट उसमें वाला साइड फिर आप लिखोगे लाइबिलिटी वाले साइड पे लाइबिलिटी वाले साइड में वापस से आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी फिर टोटल करोगे फिर आपका टैली हो जाएगा ऐसा समझा तो दो फर्क है इसके अंदर सबसे पहला फर्क है कि पहले असट आएगा दूसरा फर्क क्या है इक्विटी लिखेंगे इक्विटी में लिखेंगे इक्विटी कैपिटल और अदर इक्विटी ना कि रिजर्व एंड ठीक है बस इतने से फर्क है और कुछ नहीं टेंशन अब हर एक एलिमेंट में अपन हर एक आइटम डिस्कस नहीं करेंगे वो सब बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई क्या फर्क है ये ठीक है चलो अब है ना आप आ जाओ किताब के अंदर किताब के अंदर आ जाओ तो किताब में आपको दिख रहा है पार्ट वन बैलेंस शीट बैलेंस शीट में देखो चालू किससे हुआ है पहले असेट से हुआ है असेट से शुरू किया इन्होंने है है तो हर एक, हर एक के ऊपर अभी बात कर लूं लेकिन कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसका पता है क्यों क्योंकि ये सारे चीजें हम हर एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल पहला नॉन करंट अट क्या है पीपी -पी. इसके ऊपर एक इंडेक्स है

Clear क्या तो बस लिख दो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में अपन इसको पढ़ने वाले क्लियर ठीक है clear? तो यह था नॉन करंट अट फिर वापस से क्या लिखेंगे करंट कवर होंगे तो लिख दो ये भी कवर होगा रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर ठीक है अरे यस और नो यस आगे बढ़ जाते हैं <coughs> फिर आपका असेट साइड का टोटल आ जाएगा ठीक है फिर अपन क्या लिखते थे इक्विटी एंड लाइबिलिटी ठीक है फिर अपन लिखते थे इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्विटी में देखो कैसा लिखा है पहला लिखा है इक्विटी कैपिटल और दूसरा लिखा है अदर इक्विटी और दूसरा लिखा है अदर इक्विटी ठीक है अब मुझे ना इस इसपे कुछ बात करनी है इन दोनों के ऊपर मुझे कुछ बात करनी है ठीक है वो बात मैं करूंगा तो एक डिस्कशन मैंने पेंडिंग रखा है इसके ऊपर पहले मैं लाइब्रेटी डिस्कस कर लेता हूं फिर इसके ऊपर वापस से आऊंगा ठीक है चलो अब लाइबिलिटी में क्या है लाइबिलिटी में आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज है

आपने एकदम सही कहा हर एक एलिमेंट का जाएगा नोट्स के अंदर डिस्कशन लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है ये वाला इक्विटी वाला एलिमेंट ये जो इक्विटी वाला एलिमेंट है इसका डिस्कशन अपन नोट्स पे नहीं करते इसका डिटेल्ड वर्किंग हम नोट्स पे नहीं देंगे मैंने क्या बोला अदर इक्विटी इज मच मोर वाइडर इन स्कोप अदर इक्विटी में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं बहुत सारे एलिमेंट आते हैं तो ये पूरे के पूरे इक्विटी वाले कॉलम का हम एक नोट्स टू अकाउंट्स में दे दे उतना छोटा नहीं है इसका नोट्स तो इसका बनाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट क्या बनाना पड़ेगा इसका आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा मतलब असेट लाइबिलिटी के हर एलिमेंट का बनेगा नोट्स लेकिन इक्विटी के दोनों एलिमेंट का बनेगा स्टेटमेंट जिसको हम प्यार से बोलते स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या बोलते स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसको फॉर्म में मैं कह दूंगा एस ओ सीई एस ओ सीई क्या बनेगा इसका स्टेटमेंट बनेगा बाकी सब चीज का बनता है नोट इसका बनेगा स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा एसओसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी काफी लोगों को पहले से कैसे पता है ये सब चीजें श्रद्धा दिनेश साक्षी किशन इनको पहले से कैसे पता है सब चीजें पढ़ गया है चलो ठीक है एनीवेज ज्ञान है तो अच्छी बात है ठीक है सर सर इसका स्टेटमेंट जरा दिखाओ ना हमको कैसा दिखता है इधर आओ तो इक्विटी में दो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट का स्टेटमेंट बनता है पहला एलिमेंट क्या है देखो इधर इधर दिखा दिखाया हुआ मैंने बैलेंस शीट के नीचू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसमें देखो पहला क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें कैसा दिया हुआ है देखो अब इसमें तीन ही कॉलम है ये याद कैसा रहेगा सर अरे सिंपल है ये कुछ नहीं जैसा है पहले बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितना था फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ नया इशू किया क्या और एंड ऑफ द ईयर में कितना बचा है बराबर बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितना था ड्यूरिंग द ईयर कुछ नया इशू किया है क्या और एंड ऑफ द ईयर में कितना बचा है बस इतना ही है इसके अंदर ठीक है हमको पता है कॉज वी रीड एफ एस ऑफ कंपनी सर वेरी गुड क्लियर बिगनिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड ओके उसके बाद आएगा अदर इक्विटी किसी ने बोला क्लास का प्रोजेक्ट था ट्वेल्थ क्लास में कैसे कैसे काम करवा रहे तुमसे हा? हम तो ट्वेल्थ क्लास में पास हो गए बड़ी बात <laughs> चलो एनीवे anyway, वे छोड़ो ठीक है तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का इक्विटी वाला कॉलम था ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग अब देखो अदर इक्विटी का स्टेटमेंट देखना अदर इक्विटी का ये देखो हो सर इतना बड़ा मेरे को चक्कर आ रहा है सर अरे कुछ नहीं है बड़ा सिंपल है सुनो मेरी बात ये अदर इक्विटी का स्टेटमेंट है देखो स्टेटमेंटर इक्विटी में ना दो टाइप के कॉलम है एक इस इस तरफ तरफ कॉलम्स कॉलम्स दिए दिए हुए हुए वो वो और एक ठीक है अब आप ध्यान से देखोगे देखो कितनी देखो, सारी चीजें आती है शेयर एप्लीकेशन मनी इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कुछ तो लिखा है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिर देखो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया मैंने क्या कहा था अधर इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस तो आता है उसके अलावा दस और चीजें आती है अलग अलग देखो बहुत सारे एलिमेंट्स है अब सर ये हमको यार रट्टा मारना है ना सर सच्ची बताओ रट्टा मारना है ना नहीं 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 रट्टा मत मारना आप ऐसा लिख दो ये जितने भी एलिमेंट्स है नो नीड टू रट्टो फाइ दिस लिख दो इधर अभी नो नीड टू रट्टा दिस फॉर्मेट तो सर याद कैसे रहेगा इतना सब आता है इक्विटी में अरे जब हम रेस्पेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो वो हर एक एलिमेंट हर एक इंडेक्स में कवर होता हुआ जाएगा ये हर एक एलिमेंट का बात रेस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर है तो अपने को इंडेक्स आता ही नहीं है तो मैं भी हर एक चीज कैसे बताऊं ये यहां क्यों आती है तो अभी क्यों दिमाग लगाना है ना जब अपन इंडेक्स पढ़ने ही वाले तो लिख दो तो इधर नीचे इसको भी रट्टा करने का जरूरत नहीं है वी विल डिस्कस ईच आइटम इन रिस्पेक्टिव इंडे जब भी भी रिस्पेक्टिव इंडेज में कोई एलिमेंट आएगा मैं वहां सिखाऊंगा और ये अधर इक्विटी का फॉर्मेट वापस रिविजिट कराऊंगा और बताऊंगा देखो इधर आ गया देखो इधर आ गया ऐसा करके तुम समझे क्या तो जब पूरा एफ आई कंप्लीट होगा तो बढ़िया हो जाएगा ऐसा अदिति ने कहा मैंने आपके पुराने बैच का डेमो देखा इसलिए मेरे को पता वाह ठीक है क्लियर है वाला पार्ट क्या ले तो टेंशन मत लेना फालतू का याद कैसा रहेगा तो एक तो ये वाले कॉलम्स में सारे आइटम्स आएंगे जो अपन इंडेक्स में पढ़ेंगे ठीक है सर इधर भी तो कुछ कॉलम दिया हुआ है अरे ये कुछ नहीं है ये वापस से की तरह ही है जैसे अपन पहले बताएंगे बिगनिंग में कितना था फिर बीच के जितने भी एलिमेंट्स है ये आपको बताएंगे ड्यूरिंग द ईयर के एडजस्टमेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर में क्या अपन ने कम ज्यादा कुछ किया है क्या और फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग कि एंड में कितना है तो ये सब चीजें भी आपको रिस्पेक्टिव इंडेक्स में समझते हुए चलेगी टेंशन मत लेना तो ये कुछ नहीं रिकोजेस है बिगनिंग फिर ड्यूरिंग द ईयर के एडजस्टमेंट्स और फिर एंड में कितना बचा है ऐसा तो जो स्मॉल स्मॉल मैंने मार्किंग कर रखी है आप भी करते हुए चलना आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कल को आगे जाकर ठीक है ठीक है सर <coughs> क्या तुमको बैलेंस शीट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग रहना आपको बेसिक बेसिक ठीक है कि बैलेंस शीट बनती कैसे पहले क्या आता है वो समझ गया उसके बाद बैलेंस शीट में हर एक एलिमेंट का बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स सिर्फ एक एलिमेंट है इक्विटी वाला जिसका बनेगा स्टेटमेंट उसको अपन बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ठीक है और उस स्टेटमेंट में अपन कुछ नहीं देते ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग ठीक है अदर इक्विटी में बहुत सारे एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ते हुए चलेंगे ये तुम्हारा हो गया बढ़िया बढ़िया रिविजन समझा तुमको ये वाला पार्ट क्या समझ गया सर ठीक है तो इधर आके मैं ऐसा लिख दू जहां मैंने फॉर्मेट बनाया ना बैलेंस शीट का नोटबुक के अंदर इंडेक्स वाला तो मैं लिख दूर इधर एक ब्रैकेट मार्के कि इक्विटी कैपिटल अदर इक्विटी इन दोनों का बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये मैं लिख देता हूं इन दोनों का क्या बनेगा एसओसीई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये लिख दिया क्लियर ठीक है चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट का बात हो गया अब बैलेंस शीट के बाद क्या बनेगा और क्या बनता है बैलेंस शीट के अलावा हाँ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल सर तो आप एक वो पेज छोड़ दो अब अगले पेज पे आ जाओ अब है ना प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो मोटा मोटी एएस की तरह ही है सर एएस वाला हमको कौन सा आता था हैं एएस का आता था फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का कि वो भी नहीं आता था एसी आ जब्बा के अब ठीक है अच्छा मनोज ने क्या पूछा प्रेफरेंस शेयर कहां आएगा ये तो बताया नहीं सर आपने मैंने क्या बताया एक चैप्टर में बात करूंगा उसके बारे में तो प्रेफरेंस शेयर की बात एक चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उधर बातें करूंगा छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए ठीक है चलो हाँ तो पीएनएल के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कौन सा वाला डिस्कस कर रहा हूं सर अच्छा काफी लोग बोलते आता है अब मालूम पड़ेगा कितना आता है तुमको मैं यहां इंडेस वाला फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं ठीक है इंडेस वाला मैं लिख देता हूं इंडेस वाला स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ठीक है तो आओ एक लाइन छोड़कर लिखना बताओ सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बताओ एक एक करके बताते हुए चलो सबसे पहले क्या आएगा वेरी गुड सबसे पहले आपका आएगा रेवेन्यू ठीक है रेवेन्यू वाला कॉलम आएगा उसमें आप पहले क्या लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ठीक है ये लिख दिया आपने फिर क्या आता है वेरी गुड अदर इनकम अंकित अंकित वेरी गुड कोमल वेरी गुड अदर इनकम आता है फिर ठीक है चलो ठीक है ये भी लिख दिया सबसे इजी इस दुनिया का सबसे इजी रेवेन्यू साइड होता है कुछ आता ही नहीं उसके अंदर दो ही तो आइटम आते हो गया टोटल इनकम वाओ टोटल इनकम जैसे अगर मैं मेरे रेवेन्यू की बात करूं मेरा रेवेन्यू क्या है फ्रॉम टीचिंग जो मुझे मिलता है जैसे मैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ मेरे को बीबी वर्चुअल से काफी कम पैसे मिलते हैं मतलब ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ मैं अभी बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ गाइस प्लीज हेल्प मी क्रॉस द बेसिक एग्जामेशन लिमिट गिनना मत कितने बच्चे कितना फीस है मेरे को बीबी सर ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ देते तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड पर एनम अंडर द बेसिक एग्जामेशन लिमिट दिस इज माई टोटल इनकम उसमें खर्चे अलग माइनस होंगे बताओ यार गाइस एनी चलो जाने दो क्या ही दुख दर्द बांटना भी तुम्हारे साथ तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम फिर आपका एक एक्सपेंसिव वाला साइड बराबर एक्सपेंस वाला साइड आएगा एक्सपेंसेस ठीक है जस्टिस फॉर आकाश सर हाँ भाई करो जस्टिस करो मेरे लिए फिर भी घूम न्यूजीलैंड घूम के आए अरे बाबा कहाँ घूम के आए न्यूजीलैंड वो सिर्फ मैं सर फोटो खिंचवाया बैकग्राउंड में था इधर इंडिया में ही था मैं <coughs> केस में दस करोड़ दस करोड़ जिस निंकम इनकम होगी ना मैं दिखूंगा नहीं तुमको इधर छोड़ दूंगा मैं <laughs> दस करोड़ बोलते हैं कैसी बातें कर रहे हो हर टीचर की यही हालत है नहीं नहीं हर टीचर की हालत नहीं है भाई बीबी सर को तुम देखो शुभम केसानी सर को देखो आकाश रह गए छोड़ो यार क्या दुख वाली बातें कर रहे हो गाइस गाइस मैं मैं रोना आ जाएगा मैं रो दूंगा खरी करो यारोनाटी थाउजेंड रुपीज डॉलर कार भी ले लिया अरे सब उधार क्या है भाई तुम तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम अपना काम से काम करो ना गाड़ी ले ली ये ले ली वो ले ली घूम के आ गए ये आ गए मैं रो दूंगा मैं रो दूंगा तुम सब इतने लोग मेरे आगे चकेले खड़े हो गए मैं तो अकेला हूं ना बेचारा सोचो ना थोड़ा हाँ चलो <laughs> सर अभी तक आपको स्टाइपेंड ही मिल रहा है बात तो ये प्रीतम प्रीतम अंडरस्टैंड में प्रीतम के लिए फ्लाइंग किसी चलो इधर आ जाओ ये आ जाओ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं सुनो अब एक्सपेंस में सबसे पहला आता है परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ठीक है अगर आपका धंधा है ट्रेडिंग का तो आप जो सामान खरीदते हो उसका उसके अलावा फिर आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूम्ड कंज्यूम शब्द का मतलब यहां यहां आप डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल खरीदा बोलेते नहीं हो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल बराबर का कंज्यूम का मतलब ये होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वेरी गुड वेरी गुड बढ़ो आगे बड़ो सर आगे उसके बाद क्या आता है उसके बाद आपका आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री उसके बाद आपका आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री आपको पता जब बचपन में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे चाइल्डहुड में आप क्या बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा तुमको यहाँ देखिएगा नहीं एक सेकंड रुको हाँ तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे अपन लिखो मत यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ऐसे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड पे और क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे बस इसी को अभी इन्होंने क्लब करके एक तरफ लिख दिया उसको बोलते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री तो इधर इन लोग पता है क्या लिखते हैं लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक समझे क्या सर लेकिन आपने ऊपर भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग किया हुआ है अरे ये जो ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग है वो रॉ ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग है ये ओपनिंग क्लोजिंग है ठीक है, है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके बाद क्या आएगा आपका आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ठीक है उसके बाद आएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बराबर उसके बाद और क्या आता है फाइनेंस कॉस्ट और फिर जो भी आ, और आता रहेगा तो अदर एक्सपेंस में डाल दो अदर एक्सपेंसेस बराबर ये सारे खर्चे मिलकर आपका बनता है टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस एक आध चीज छूट करेगा तो खुद खुद से कर लेना ठीक है ये ओपनिंग क्लोजिंग में डब्ल्यू का भी आ जाएगा डब्ल्यू आईपी फिनिश गुड दोनों का ठीक है एनीवेज़ टोटल इनकम को आप नाम दे दो ए इसको आप बोल दो ए और इसको आप बोल दो बी ठीक है टोटल इनकम ए टोटल एक्सपेंस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा अगर तो फॉर्मेट एकदम प्रॉपरली बनाई देता हूं ऐसा आता है पहले प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस बराबर फिर इसमें से आप क्या माइनस करोगे पहले एक्सेप्शनल आइटम माइनस करोगे अच्छा ए एस में देर यूज टू बी आइटम नोन अस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑल्सो इंडेस में वो नहीं है ठीक है इसमें सिर्फ एक्सेप्शनल होता है तो इसमें आप पहले एक्सेप्शनल माइनस करोगे बराबर फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी फिर आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर इतनी मेहनत करने के बाद आपको मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबको समझा मैंने क्या बोला ये आप यहां लिख सकते हो After tax. I hope ना मुझे आपको कुछ चीज समझानी है एक बात बता बता दू एक सीक्रेट है, सीक्रेट, सीक्रेट पीता है? अरे सीक्रेट नहींट सीक्रेट, सीक्रेट. क्या सीक्रेट है, सर? एक देनी है दे दू तो एक काम करो ना एक आधा पेज छोड़ देना अगर ये पेज में जगह है तो आधा पेज छोड़ दो नहीं जगह तो एक मतलब अगले पेज का आधा पेज छोड़ दो ठीक है और अगले पेज पे हेडिंग देना मैं भी लिख रहा हूं लिखो एग्जाम्पल लिखो कंसेप्चुअल एग्जाम्पल कंसेप्चुअल एग्जाम्पल ठीक है अब क्या है सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते एक कोई अमीर आदमी का नाम बताओ मेरे को गरीब नहीं है वही जैसे देखो आकाश गरीब आदमी है है ना जैसे एक नाम है भूषण गरीब नाम है कपिल गरीब नाम है है ना मतलब नाम क्या होता है चाहिए सर द कपूर ऐसा कुछ बढ़िया नाम बताओ मेरे को यार मतलब तुम गरीब गरीब नाम हटाओ से ठीक है साहिल वेरी पुअर नेम हाँ आदित्य सोमानी ये ये थोड़ा अमीर लग रहा है मेरे को है ना आदित्य सोमानी अमीर लग रहा है बाकी कोई अथीरा <laughs> भाई अथीरा एकदम आकाश कंधे आ रे आकाश कंधे गरीब है कबीर कबीर भी लग रहा कबीर खान ऐसा कुछ लोखंड वाला मोहम्मद भाई लोखंड वाला तो जगह का नाम है पूरे ये भी ये भी बढ़िया अमीर आदमी है ठीक है दक्ष शर्मा कर विक्रम बिरला भाई ये ये बढ़िया लग रहा है नहीं मुझे वो आदित्य सोमानी सही लग रहा था सोमानी चलो ठीक है तो आदित्य सोमानी का नाम लेता अपन ठीक है तो ऐसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आदित्य है ना इसने एक वो खरीदी लैंड ठीक है तो एक लैंड परचेस की इन दर टू थाउजेंड फाइव ठीक है दो हजार पांच में बहुत पहले खरीदी किसने खरीदी आदित्य ने खरीदी सोमानीस ठीक है चलो भवर बुराना सर अरे वो तो आउट ऑफ द लीग है भाई इतने अमीर का नाम नहीं लेना था तुमको ठीक है रुकैया भरमल ठीक है ये ये भी गरीब नाम लग रहा है मेरे को एनीवेज चलो समझ गए तुम क्या ठीक है तो आदित्य ने लैंड ले ली 2005 में कितने में ली टेन लैक्स में ली ठीक है टेन लैक्स में ली चलो अच्छा जब लैंड आप परचेस करते हो तो एंट्री क्या मारते पता है आपको क्या एंट्री मारते हैं अपन अपन जर्नल एंट्री मारते हैं लैंड परचेस करे तो असट आता है तो हम बोलते हैं लैंड अकाउंट डेबिट और अगर पैसा गया रहेगा तो बोलते हैं टू कैश बैंक वाओ सर कितनी आसान एंट्री टेन लैक्स टेन लैक्स ने एंट्री मार दी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ठीक है कट शॉर्ट ऐसा मान लो हम लैंड के लिए कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे मान लो ऐसा कि वी वर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मॉडल कॉस्ट का मतलब होता है कि लैंड को आप जिस दाम पे खरीदा उसी दाम पे रखोगे ठीक है और लैंड वैसे भी डिप्रीशियट नहीं होता है तो दिखता हुआ चलेगा ठीक है तो ऐसा मान लो कट शॉर्ट बीस साल बाद मान लो आज अपन सब दो हजार पच्चीस में खड़े हैं ठीक है <coughs> तो दो हजार पच्चीस में खड़े होंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी खड़े होंगे ठीक है अगर मैं आपसे पूछू ये आदित्य की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड कौन से वैल्यू पे दिख रहा है बताओ लैंड कौन से वैल्यू पे दिख रहा है जल्दी से मेरे को बताओ वेरी गुड गुडर टेन वैल्यू में आपके बुक्स में दिखता है उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ठीक है amount, तो लैंड की कैरिंग अमाउंट क्या है वापस कैरिंग अमाउंट मतलब जो वैल्यू में आपके बुक्स में दिख रहा है वापस कैरिंग अमाउंट मतलब जो वैल्यू आपके बुक्स में दिख रहा है तो जो वैल्यू में आपके बुक्स में दिख रहा है उसको बोलते कैरिंग अमाउंट वो अब तक टेन लैक्स पे दिख रहा है सर सीधी सी बात है तो मैं लिख देता हूं इट इज शोन एट ठीक है अब आदित्य वो क्या हुआ आदित्य अमीर आदमी है वो बोला यार इसको बेच देते ठीक है तो आज मुझे बताओ जो लैंड आपने पहले टेन लैक्स में खरीदी थी ट्वेंटी ईयर्स पहले आज उसकी वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ लैंड एज ऑन टूडे एज पर यू दो तीन करोड़ तो हो गई रहेगी सर दो करोड़ मान लेते हैं ठीक है चलो तो सोल्ड बेच दिया उसने ठीक है सोल्ड फॉर दो करोड़ तीन करोड़ कुछ तो रहेगा ना सब दाम तो बढ़ता है ना लैंड का तभी से लेकर तो 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 चलो अब सेल के एंट्री मानने का ट्राई करते जनरल एंट्री फॉर सेल इन द्वेंटी ट्वेंटी फाइव दो हजार पच्चीस वाले साल में सेल की एंट्री क्या आएगी मुझे बताओ सबसे पहले बेचा तो पैसा आएगा है ना अपन बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट बेच के पैसा आएगा क्या बोलेंगे अपन कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा कैश बैंक टू सी फिर भार क्या जा रहा है लैंड मुझे बताओ लैंड कौन से वैल्यू पे भार जाएगा लैंड कौन से वैल्यू पे बाहर जाएगा जल्दी से मेरे को बताओ लैंड की वैल्यू क्या होगी बाहर जाने वाली अच्छा अगर आप बोलते हो टू सीआर पे भार जाएगा रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर कोई भी चीज आप बेचते हो ना और कोई भी चीज बाहर जा रही है तो बाहर हमेशा कैरिंग अमाउंट पे जाएगी तन्मयी प्रचेता वेरी गुड आंसर आप लैंड को कभी भी टू सीआर पे बाहर मत करना वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे भाग जाता है यश डॉली वेरी गुड आंसर तो कैरिंग अमाउंट क्या टेन लैक्स तो बाहर जाने वाला चीज ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट दुनिया का दस्तूर है भाई साहब बाहर जाने वाला चीज ऑलवेज एट कैरिंग अमाउंट तो बचावा क्या बचावा आएगा प्रॉफिट ऑन सेल कितना पीएनएल के अंदर कहां चला जाएगा ये प्रॉफिट पीएनएल के अंदर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ने ये वाली अकाउंटिंग कर ली इस अकाउंटिंग में दिक्कत है क्या दिक्कत है समझने का ट्राई करना मुझे बताओ अचानक से आदित्य को कितने का प्रॉफिट हो गया 1.9 पॉइंट सीआर का ऐसा मान लो आदित्य एक ऐसी कंपनी है जिसका टर्न ओवर ही होता है नॉर्मली अगर आप देखोगे ना पिछले साल में इसका ही के आसपास घूमता रहता है एक ऐसी ही के आसपास घूमता रहता है उसको प्रॉफिट कितने का हो गया वन सी का प्रॉफिट अचानक से एक साल में हो गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बीस साल से हमने लैंड को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर रखा है मुझे बताओ लैंड की वैल्यू ऐसे अचानक से तो टू सीआर नहीं होगी रहेगी हर साल हौले, 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 हौले बड़ी होगी ना हर साल हॉले हॉले थोड़ी इंक्रीमेंट हुआ रहेगा है ना मुझे बताओ रियल में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो 1.9 पॉइंट का प्रॉफिट है ये सिर्फ 2025 का प्रॉफिट है या ये ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स का प्रॉफिट है मुझे बताओ क्या ये 1.9 पॉइंट का प्रॉफिट ओवर 20 इयर्स का प्रॉफिट है या सिर्फ और सिर्फ एक साल का प्रॉफिट है 2025. अगर रियल में लॉजिकली आप सोचो तो वेरी गुड आंसर अगर आप लॉजिकली सोचो ना तो यह प्रॉफिट सिर्फ एक साल का नहीं है आपने भले बुक एक साल में किया है क्योंकि वो बेचा तब है लेकिन रियल में तो ये प्रॉफिट हर साल थोड़ा 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 हुआ रहेगा ना फर्क इतना है कि अपने ने बेचा नहीं तो अपने को प्रॉफिट दिखा नहीं वेरी गुड आंसर एवरी ये ट्वेंटी का प्रॉफिट है एक साल का प्रॉफिट नहीं है ये वो दिखने में एक साल का लग रहा है तुम समझ गए इट इज जस्ट लाइक सपोज अभी अपने पास है कपिल कपिल को किसी उसके रिलेटिव ने देखा जब वो एक साल का था है ना अब वो आफ्टर कट शॉर्ट आफ्टर 20 इयर्स वो रिलेटिव वापस से कपिल से मिलने आए बोले अरे कपिल तू तो कितना बड़ा और मोटा हो गया है ना तू तो मतलब बच्चे से आदमी हो गया है तो कपिल भी तो बोलेगा आप भी तो आदमी से बंदर हो गए तुम समझ रहे हो मतलब वो बहुत टाइम बाद देखा तो लगता है ना ये तो अचानक से बड़ा हो गया अचानक बड़ा नहीं हुआ कपिल हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था तुम देखे नहीं उसको तुम्हारी गलती समझ आया सर हाँ चलो एनी तो अब एक ये तरीका था जो अपन पहले फॉलो करते थे कि कॉस्ट पर रखते थे तो उसकी दिक्कत ये थी कि प्रॉफिट अचानक से बहुत ओवर वैल्यूड प्रॉफिट दिखता था एक साल में ठीक है अब इसका एक और तरीका क्या सुनना हंसो मत तुम लोग ध्यान दो इधर अब इसका एक और तरीका क्या है ये केस वन था ऐसा मान लो ठीक है दिस वॉज केस वन अब मैं केस टू ले रहा हूं ठीक है अब इसको करने का एक और तरीका है इंडेस क्या बोलता है वैसे ये चीज सेम चीज एस भी बोलता है बट अभी इंडेस भी कहता है इंडेस बोलता है कि सपोज आपके पास कोई लैंड है तो आप उसको कॉस्ट पे मत रखो आप चाहो तो उसको कॉस्ट पे भी रख सकते हो या फिर फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हो अगर किसी ने ए एस ढंग से पढ़ा तो ए एस में भी ए एस टेन सेम ऑप्शन दिया करता था अभी पहले अगर आप आदम बाबा के जमाने का किताब खुलकर देखोगे ना तो पहले ए एस में सिर्फ कॉस्ट मेथड था अब वो ए एस टेन में दो मेथड दे दिया आपको ठीक है वेज चलो तो इंडेस ने भी दो मेथड दिया हुआ है कॉस्ट या फेयर वैल्यू सपोज मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ कि दो हजार पांच के साल में हमने परचेस की थी लैंड परचेज की थी लैंड टेन लैक्स की ठीक है चलो एंट्री तभी क्या मारी रहेगी जब लैंड परचेज की अब तो पता ही अपने को लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टेन लैक्स टेन लैक्स बराबर ये एंट्री मारी होगी चलो अब एक काम करते ऐसा मान लेते ईयर ईयर ऑन जाते ठीक है 2005 से एक साल आगे बढ़ते 2006 में आते हैं मैं आपको कहता हूं कि इस लैंड की कॉस्ट कितनी है तो टेन थी। लेकिन आज के दिन पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई इसकी फेयर वैल्यू हो गई सेवनटीन लैक्स और हमने इंडेक्स में ये चूज कर लिया कि हम कॉस्ट पे नहीं हम रखेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर हम किस पर रखेंगे? हम पे रखेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर वी वॉन्ट टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू इसलिए हम फेयर वैल्यू पे रखेंगे ठीक है तो अब मुझे बताओ मेरा लैंड टेन से हो गया सेवनटीन तो मुझे तो किस पे वैल्यू करना है आई वॉन्ट टू वैल्यू एट फेयर वैल्यू मुझे तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है तो बताओ मेरे लैंड का वैल्यू बढ़ गया कि गिर गया मेरे लैंड का वैल्यू बढ़ गया कि गिर गया बढ़ गया ना सर बढ़ गया ठीक है तो इस बढ़ाव को इस इंक्रीमेंट को मेरे को रिकॉर्ड करना है इस इंक्रीमेंट को मेरे को रिकॉर्ड करना है अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूं सिंपल है जब भी भी लैंड बढ़ता है तो आप डेबिट करोगे देखो असेट आपको बेसिक अकाउंटिंग रूल पता है असेट हैज अ डेबिट बैलेंस तो उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं वैसे ही लैंड बढ़ रहा है तो बढ़ाना है आपको डेबिट करोगे आप बोलोगे लैंड अकाउंट डेबिट बराबर कितना लाख ,00 से बढ़ गया लैंड तो मैंने बोला लैंड अकाउंट डेबिट टू अब मुझे बताओ क्या आप टू कैश बैंक बोल सकते हो क्या ऐसा ,00 बोलते तो कैश बैंक ,00 हो गया नहीं आप कैश बैंक शब्द यूज नहीं कर सकते क्यों बेचा बेचा क्या बेचा है क्या नहीं तो कैश बैंक कैसे बोलोगे तो इसको अपन प्यार से बोलते अनर गेन हाँ किसी ने एकदम अच्छा वर्ड यूज किया अनियलाइज गेन डॉली ने बोला मैं एक नाम दे देता हूं इसको इसको मैं इसको बोलता हूं एक बार लिखो मत अभी सुन लो सिर्फ मैं इसको बोलता हूं अनियलाइज गेन क्यों अनरियलाइज्ड बेचा नहीं है ना अब तक रियलाइज नहीं रोकड़े में नहीं आया पैसा अब तक बस बाजार में दाम बढ़ गया तो मेरे को लग रहा है मेरा लैंड का वैल्यू बढ़ गया करके ठीक है अब तक रियलाइज नहीं हुआ ये पैसा वेरी गुड आंसर ठीक है बस इसी अनरियलाइज गेन का मैं एक नाम रख देता हूं मैं इसका नामकरण कर देता हूं तुम्हारा कैसे प्यारा प्यारा नाम रख के रखा है है ना तुम सबका नाम रख के रखा है ना साक्षी आदित्य अमित कृष्णा श्रद्धा वैसे मैं इसका नाम रख देता हूं मैं इसका नाम रखता हूं अन, रियज गेन का नाम रखता हूं रीवैल्युएशन प्रॉफिट या रीइवैल्यूएशन गेन इसका मैंने नाम रख दिया रीइवैल्यूएशन गेन नामकरण किया ऐसे और कुछ नहीं ठीक है लेकिन हमको सबको अंदर से पता है कि ये प्रॉफिट क्या है अनरियलाइज्ड है अनरियलाइज्ड है ठीक है अब ये प्रॉफिट मुझे कहां दिखाना चाहिए तो आप सब बोलोगे सर प्रॉफिट है तो दिखा दो पीएनएल में प्रॉफिट है ना सर तो दिखा दो पीएनएल में लेकिन एक दिक्कत है क्या ये रियलाइज प्रॉफिट है क्या ये रियलाइज प्रॉफिट है नहीं सर ये रियलाइज प्रॉफिट तो नहीं है तो इसको पीएनएल में दिखाना थोड़ा सा हार्श हो जाएगा क्योंकि हमारे शेयर ड्रो क्या लगेगा कि हमने ये प्रॉफिट कमा लिया लेकिन आपने कमाया किधर है ये तो अनरियलाइज्ड है तो इसलिए इसको पीएनएल में डालने से रोक दिया गया तो अब कहां दिखाए कहां दिखाए कहां दिखाए प्रॉफिट तो हुआ है है ना लेकिन रियलाइज नहीं है इंडेस ने क्या बोला हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे क्या बनाएंगे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जिसको नाम देंगे ओ सी आई ओ सी आई का मतलब क्या होता है अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम क्या कॉलम बनाएंगे ओ सी आई अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऐसा मान लो ये कॉलम क्यों बनाएंगे हम ऐसा जो भी प्रॉफिट होता है जो अनरियलाइज्ड है

वो रियलाइज नहीं है ये सिर्फ नाम का प्रॉफिट है तो इसलिए एक अलग से हेड क्रिएट कर दिया गया जिसको नाम दे दिया ओ सी आई अधर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बराबर क्या मैं ए एस में भी क्या आपने पढ़ रखा है वो बताऊंगा बाद में ए एस भूल जाओ भी फिलहाल के लिए ठीक है मुझे पहले इंडेक्स की बात करने दो तो एक काम करते हैं हम मैं ना इसको कहां ट्रांसफर करूंगा इसको मैं ओसीआई में दिखाऊंगा ठीक है इसका मतलब ओसीआई है क्या इधर आओ ऊपर आ जाओ मैंने जब बोला था ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसा मान लो आज के बाद से आज के बाद से एक प्रण ले लो कि इन डैश में प्रॉफिट एंड लॉस बोलूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के दो हिस्से होते हैं एक होता है पीएनएल और एक होता है ओसीआई प्रॉफिट एंड लॉस के दो हिस्से प्रॉफिट एंड लॉस में बंटवारा कर दिया ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है लिखो इधर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओ सी आई अधर कॉम्प्रिहिव इनकम मतलब ओसीआई में कौन से नेचर के प्रॉफिट आएंगे रियलाइज वाले आएंगे या अनरियलाइज्ड वाले आएंगे वेरी गुड अनर वाले आएंगे इसका मतलब सर इस दुनिया के अभी ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना इसका मतलब सर इस दुनिया के क्या सारे अनरियलाइज प्रॉफिट ओसीआई में देखेंगे द आंसर इज नो है वापस से इसका मतलब क्या इस दुनिया के सारे के सारे अनियलाइज प्रॉफिट

तुमको खुद की बुद्धि नहीं लगानी है कि ये अन तो डाल दो ओसीआई के अंदर नहीं हर बार ऐसा नहीं होता है तो वो इंडेस तुमको बताएगा इट इज जस्ट लाइक इंडेस ने बोला भाई ने बोला करने का तो करने का तो इंडेस ने बोला पीएनएल तो पीएनएल इंडेस ने बोला ओसीआई तो ओसीआई लेकिन ओसीआई में जो आइटम्स आएंगे नॉर्मली अनरियलाइज वाले ही प्रॉफिट्स होंगे तो एक काम करता हूं इतना सब मैं लिख लेता हूं इतना सब आपने बताया हमको कैसे याद रहेगा सर तो एक काम करो इधर बाजू में एक नोट लिखो जहां मैंने ओसीआई लिखा है ना उसके बाजू में नोट लिखो लिखो फ्यू फ्यू अनरियलाइज्ड गेंस एंड लॉसेस फ्यू अनरियलाइज्ड गेंस एंड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड इन ओसीआई विल बी रिकॉर्डेड इन ओसीआई अब ये फ्यू कौन से है वो भी नीचे लिखो those few items have been defined क्या ऐसा लिखो have been given in respective indices those few items have been given in respective indices ठीक है मतलब अगर आपसे मैं कल को आके पूछूं कि इस दुनिया के सारे के सारे अनरियलाइज प्रॉफिट ओसिया में आएंगे ना तो बोलना नहीं जो इंडेक्स ने डिफाइन कैसे वही वाले आएंगे ऐसा बोलने का ठीक है तो इधर एक वापस एक नोट लिख दो डिस्क्लेमर की तरह नोट नोट नॉट ऑल अनरियलाइज प्रॉफिट नॉट ऑल अनरियलाइज आइटम्स अपियर इन है, नॉट नॉट सारे अनिलइड आइटम्स ओसिया में नहीं आते कुछ कुछ आते वो कुछ कुछ इंडेक्स बताएगा सिंपल क्लियर <coughs> यस yes. हो सके तो साथ साथ में लिख लिया करो मेरे राइटिंग स्पीड का दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं अगर एक आध कुछ मिस हो गया तो मैं वैसे ये जो लिखता हूँ बोर्ड पे वो मैं डालता हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर आपके तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो उसको ठीक है ओ मेरे हीरो लिखा नहीं इतना पार्ट चलो ठीक है ये समझा तुमको ओसीआई क्यों आया पिक्चर में ठीक है तुमको पता तुम्हारा ए एस टेन क्या बोलता था तुमको पता तुम्हारा ए एस टेन क्या बोलता था चलो बताता वो भी एस टेन क्या बोलता था एनी वेज ये, ये पहले कंप्लीट कर हैं अपन चीज ठीक है तो मतलब पीएनएल के दो हिस्से हो गए पीएनएल और ओसीआई ठीक है चलो ऐसा मान लो ये अपन ने पता

लाख का प्रॉफिट हुआ। अब पीएनएल के नीचे मुझे एक और क्या कॉलम बनाना पड़ेगा जल्दी से बताओ वेरी गुड तो पीएनएल रीवैल्यूएशन गेन कितने का मुझे गेन हुआ था भाई दवे आप मुझे देख के बताओगे एक बार क्या मुझे बता सकते हो यह भी जो आपने जगह छोड़ी थी ना आधा आधा पेज वहां लिखना आपको तो ओसीआर लिखूंगा उसमें आएगा रिवेल्यूशन गेन कितने का गेन हुआ था रे मेरे को सेवन लैक्स का गेन आया था चलो मैं लिख देता हूँ कि मेरे को गेन आता है सेवन लैख रुपीज का ठीक है अब ये पी एन का प्रॉफिट और ओ सी आई का प्रॉफिट पता है मिला के क्या बनता है ये दोनों मिला के बनता है टी सी आई क्या बनता है टी सी आई कैसे कैसे अजीब नाम है सर उसको बोलते हैं टोटल Plus of OCI. मिला के TCI. कितना हो गया अरे पी एन एल का प्रॉफिट मान लो अज्यूम क्या तीन लाख था ओसीआई का प्रॉफिट कितना है सेवन लैक्स टोटल मिला के आपका हो जाएगा टेन लैक्स टोटल मिला के आपका हो जाएगा टेन लैक्स क्लियर यस yes. बड़ा सिंपल है मतलब देखो एज अ शेयर होल्डर कितना अच्छा बाइफर्केशन किया गया है आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो आपको क्लियरली देख के समझ जाएगा ठीक है टेंशन मतलब एक जगह पे ना जब एक आधे इंडेक्स पढ़ाऊंगा मैं उसके बाद एक एनुअल रिपोर्ट भी रिविजिट कराऊंगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप वहां खुद देखोगे कि पीएलए कैसा अलग दिखाया गया है ओसिया कैसा अलग दिखाया गया है दोनों को मिला के कैसे बनाया गया है तो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट भी दूंगा मैं इसके अंदर टेंशन मतलब आप क्लियर है क्या वाला पार्ट एकदम क्लियर है सर चलो आगे बढ़ जाता हूं तो हम हमने एक चीज सीखी कि ओसिया नाम की कुछ चीज होती है ठीक है बस इतना समझ लिया तो भी काफी है ओसिया नाम का कुछ चीज होता है देखो कितना अपन ने आसान तरीके से समझ लिया कि ओसिया क्यों आया बस यही होता है आधे लोग को है ना एफ खत्म होने के बाद तक पता नहीं होता कि ओसिया क्या है ओसिया क्यों आया क्यों आया बता दिया आपको मैंने लॉजिकली एकदम तो। ठीक है चलो ये ओसिया अपन रिकॉर्ड कर लेंगे अब वो एग्जाम्पल पर दोबारा आ जाते हैं ठीक है जो अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे जिधर मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी सेवेंटीन हो गई थी ठीक है चलो तो ये ओसीआई में चला गया अब मुझे बताओ जब लैंड आपका टेन लैक्स पे था आपने लैंड को सेवन लैक्स से और इंक्रीज किया तो अब आपका लैंड कौन से वैल्यू पे दिख रहा होगा दैट इज लैंड की अभी कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में क्या होगी तो सर पहले टेन पे था आपने सेवन से इंक्रीज किया वेरी गुड आंसर अब लैंड आपका सेवनटीन लैक्स हो जाएगा किसी ने पूछा ओसीआई नेगेटिव हो सकता है क्या ओसीआई में प्रॉफिट भी आते हैं लॉसेस भी आते हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है ऑफकोर्स डोंट वरी ठीक है ध्यान रखना <coughs> चलो लैंड का कैरिंग आउट कितना हो जाएगा सेवेंटीन लैक्स हो जाएगा ठीक है अब हुआ क्या सुनना चलो ऐसा मान लेते इन ईयर टू थाउजेंड सेवन फेयर वैल्यू अब कितनी हो गई अब फेयर वैल्यू हो गई ट्वेंटी लैक्स हमको तो एवरी ईयर फेयर वैल्यू पे रखना है फेयर वैल्यू हो गई ट्वेंटी लैक्स ठीक है चलो अब इसकी एंट्री तुम खुद मारोगे ये भी गु टेन सेकेंड्स टाइम स्टार्ट ना खुद मारोगे एंट्री पूरे प्रॉपर हेडिंग के साथ क्या बढ़ेगा क्रिएट क्या आएगा वो कहाँ जाएगा सब मार्केट ट्राई करना टाइम स्टार्ट स्नाओ करो जब एंट्री मार के हो जाए या तो चैट बॉक्स में एंट्री मार के बताना या फिर डी करके बोल देना मनोज वो सब डिस्कशन अवॉइड करो यार अगर कुछ भी ऐसा रेलिवेंट रहेगा ना मैं बात कर लूंगा उस बारे में ठीक है क्या इट विल जस्ट आर्ट कंफ्यूजन फॉर अदर स्टूडेंट्स प्लीज अवॉइड इट शशांक साक्षी मोहम्मद करेक्ट आंसर किशन करेक्ट आंसर आयुष अक्षत सही है प्रचिता चारू सही है आदित्य है। डॉली सही है ठीक है गुड जॉब गाइस ट्राई किया जहां तक मैं देख पा रहा हूं सबने बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया क्या एंट्री रहेगा अभी ऐसा मान लो सेवेंटीन से ट्वेंटी हो गया तो लैंड कितने से बढ़ेगा लैंड बढ़ेगा आपका थ्री लैक्स ,00 से वापस से ये रिलायंस तो हुआ नहीं है तो आप क्या बोलोगे टू रीवेलुएशन गेन और दोबारा से गेन कहां जाएगा दोबारा से गेन कहां जाएगा ओसीआई में जाएगा अब तो ये पता ही थ्री लैक्स ठीक है ये करने के बाद मेरे लैंड की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी जल्दी से मेरे को बताओ अब मेरे लैंड की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी ट्वेंटी लैक्स क्या आपको ये बात समझते चलती है बड़ा सिंपल है सर अच्छा अब आ जाओ अगले साल अभी ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन में था ना अभी एट में आ जाओ चलो हम आ गए दो हजार आठ में चलो अब मान लो हमने असठ को बेच दिया ठीक है ध्यान से सुनना अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनना अब क्या हो रहा है सेल ऑफ लैंड हो गया सेल ऑफ लैंड ठीक है समझ लो मैंने ट्वेंटी टू लैक्स में बेच दिया ठीक है जर्नल एंट्री सब लोग ट्राई करेंगे टाइम स्टार्ट नाउ एवरी वन विल ट्राई द जर्नल एंट्री बेच दिया बेच दिया यस आदित्य करेक्ट ट्राई करो राइट तो राइट रॉन्ग तो, रौंग तो, रौंग तो रौंग, क्या फर्क पड़ता है ट्राई तो करो बेच दिया भाई साहब बताओ एंट्री वे भूषण वेरी गुड कपिल ठीक है नहीं कपिल रॉन्ग आंसर आपका खुशी और साक्षी करेक्ट आंसर है ठीक है ट्राई किया सबने यहां ध्यान दो कैसी एंट्री आएगी सुनो बेचा है ना अभी बेचा है देखो अब ये मैं बोला दो लाख का रिवॉल्यूशन गेन है अभी ये बेच दिया तुमने अभी तो सुनो आप बोलोगे लैंड अकाउंट डेबिट सॉरी लैंड अकाउंट डेबिट नहीं कैश बैंक अकाउंट डेबिट सर क्या बेवड़ा मार के आएगा सुबह सुबह कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितने में बेचा ट्वेंटी टू लैक्स में ठीक है टू लैंड लैंड बाहर जा रहा है ना तो कौन से वेल पे भार करने का कैरिंग अमाउंट पे जस्ट बिफोर द सेल कैरिंग अमाउंट कहां तक पहुंच चुकी थी ट्वेंटी तक पहुंच चुकी थी तो ट्वेंटी लैक्स पे लैंड भार होगा एट कैरिंग अमाउंट बराबर क्या एट कैरिंग अमाउंट देता हूँ एट कैरिंग अमाउंट ठीक है टू अब प्रॉफिट ऑन सेल आएगा मुझे बताओ ये वाला प्रॉफिट कहां जाएगा पीएनएल की ओसी ये वाला प्रॉफिट कहां जाएगा पीएनएल की है मेरे को आस्था पल सिमरन और काफी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है।, है ना काफी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है।, है क्या है आंसर क्योंकि रियलाइज प्रॉफिट है इसलिए ये कहा जाएगा ये तो पीएनएल में जाना चाहिए सर ये रियलाइज है दो लाख दो लाख दिस इज रियलाइज प्रोफिट रियलाइज गेंद है ये तो ये जाएगा पी के अंदर क्लियर है वाला पार्ट क्या आपके मन में एक सवाल आना चाहिए पता है सवाल क्या आना चाहिए सर ये गेन तो ठीक है ये चला गया पी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है जो पुराना गेन हमने ओ में दिखा रखे हैं, ये सेवन लैक्स का यह थ्री लैक्स का ये जो पुराना पुराना हमने ओ में बुक किया है उसका क्या होगा ये पुराने वाले गेंद जो ओसीआई में गए उसका क्या होगा सस्पेंस में रहो ठीक है मैं लिखता हूं इधर लिखो नोट आपके मन में, में सवाल आना चाहिए ना कि पुराने वाले ओसीआई में जो रिकॉर्ड थे उसका क्या होगा उसकी बात मैं एक इंडेक्स में करूंगा इधर वो लिखा के रख रहा हूं इधर लिखो इधर वॉट अबाउट वॉट अबाउट ओल्ड अनरियलाइज्ड गेन्स बुक्ड इन प्रीवियस ईयर्स इन ओ सस्पेंस में ही रहो तुम ठीक है तो मैं इसको लिख रहा हूं दिस विल बी डिस्कस्ड इन इंडिया सिक्सटीन विल बी डिस्कस्ड इन इंडेस सिक्सटीन पीपीई हम उसको इंडेस सिक्सटीन में डिस्कस करेंगे बस इतना लिखे रख लो ठीक है अगला इंडेस यही पढ़ने वाले हम वही डिस्कस करेंगे अगला इंडेस ही पढ़ाने वाला आपको सस्पेंस में ठीक है थोड़ा सस्पेंस तो रहना चाहिए ना भाई हा? अरे इसका जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ये कराते कराते बताऊंगा तो और मजा आएगा तुमको नंबर्स लूंगा एग्जाम्पल लूंगा और लॉजिक बताऊंगा अभी के लिए इतना ज्ञान काफी है तो अभी इस एग्जाम्पल से मैंने क्या सीखा सुन लो अब मैं समअप कर रहा हूं इसको सीखा क्या आपने इस एक्साम्पल से आपने सिंपल सी बात सीखी कि ओसिया नाम की चीज होती है पहला बराबर ओसीआई में क्या कौन सा आइटम्स आएंगे वो इंडेक्स बताएगा तुमको हाँ वो तुमको इंडेक्स बताएगा रिस्पेक्टिव इंडेक्स ठीक है पीएनएल मिला के बनता है टीसीआई बस इतना तुमको जानना है और अगर जब तुम लैंड वगैरह बेचते हो तो उस समय का जो रियलाइज प्रॉफिट है वो तो पीएनएल में जा रहा है पुराने वाले का क्या करना हमको नहीं पता उस समय का जो प्रॉफिट हुआ उस दिन पे वो जाएगा पेनल में पुराने वाले का हमको डिस्कशन नहीं पता अभी सबको समझा क्या हाँ बस इतना ध्यान रखो <coughs> क्या तुमको ये चीज क्लियर है क्या अरे बोलो यस और नो जल्दी से बोलो यस और नो पक्का क्लियर है ठीक है चलो अब एक आखिरी एग्जाम्पल मुझे डिस्कस करना है आखिरी चीज डिस्कस करनी है फिर आपके स्केड्यूल थ्री के बेसिक एलिमेंट का डिस्कशन हो जाएगा जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा आपके साथ है ना और फिर आपको मैं ब्रेक दूंगा मतलब एक डिस्कशन और है फिर ब्रेक आने वाला है ठीक है फिर ब्रेक के बाद अपन एक चैप्टर एक इंडेक्स शुरू करेंगे वो यही इंडेक्स होगा ठीक है चलो आ जाओ कल्लू जिक्र किया कल्लू डिस्कस बोलो कर लो कर लो सर अरे बड़ा सिंपल सा कुछ नहीं सुनो मेरी बात आपको पता है जो अपन स्टेटमेंट ऑफ अगले पेज पे शुरू करना जो अपन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं ये बनता है फॉर द ईयर ये बनता है फॉर द ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है फॉर द ईयर अच्छा पीएनएल के कितने हिस्से होते हैं बाई दावे आज के बाद कोई पूछो तो बताना दो हिस्से होते हैं पीएनएल होता है ओसीआई होता है और दोनों मिला के बनता है टीसीआई ठीक है ऐसा बताना अच्छा और जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना बैलेंस शीट बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट बैलेंस शीट आपकी बनती है एज ऑन डेट थी यह बात

ये कमाने के लिए मैंने एक्सपेंसिस इंकर किए कितने के सेवेंटी लैक्स के सर ये फिगर्स कहाँ से आपको अरे मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फिगर्स कन्फूजिया मत जाना कि कहां से आ गया ये ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ठीक है चलो तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया मेरा इनकम हो गया पीएनएल वाला थर्टी लैक्स का थर्टी लैक्स का मेरा हो गया पीरड वाला इनकम ठीक है अब मैं देखूंगा इस साल क्या मेरे को ओसीआई का कोई प्रॉफिट आया था क्या तो चलो ऊपर वाले एग्जाम्पल से लिंक करते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाके देखो टू थाउजेंड सिक्स में क्या ओसी में प्रॉफिट था तो देखते हैं ये देखो ना ये केस टू वाला एग्जाम्पल तो मैं देख रहा हूँ टू थाउजेंड सिक्स में मेरा एक प्रॉफिट था री वैल्युएशन गेन सेवन लैक्स का है ना ठीक है तो मैं लिख देता हूँ कि मेरे को एक प्रॉफिट हुआ था गेन का बराबर यही हुआ था यही हुआ था सर ठीक है और ये दोनों मिला के क्या बन जाता है मेरे हीरो लोग अच्छा वेन आई से हीरो लोग दैट मीन्स हीरोइन दोनों तुम समझ जाना अपने आप को जो भी तुम मानते हो ये ये लिख देना रिफर एग्जाम्पल अबव तुम बोलोगे सात लाख कहां से आया दोनों मिला के बनता है टीसीए पीएनएल प्लस ओसीए कितना हो गया थर्टी सेवन लैक्स थर्टी सेवन लैक्स ठीक है अच्छा ये प्रॉफिट अभी जो आपने कमाया थर्टी सेवन ये, ये किधर जाके जमा होता है आपको पता है कहां जाके जमा होता है ये तो में ये profit, में जाकर जमा होता था इन में में प्रॉफिट अधर इक्विटी में जाकर जमा होता है ऑब्वियस है तो अधर इक्विटी बैलेंस शीट का आइटम होता है ठीक है तो सपोज आप बैलेंस शीट बना रहे हो एज ऑन डेट की ठीक है तो बैलेंस शीट में एक एलिमेंट आपका अधर इक्विटी होता है तब तो मैं वो सिर्फ वही एलिमेंट लिख रहा हूं ठीक है इक्विटी तो ये जो प्रॉफिट है ये अधर इक्विटी में जमा होता है अब ये दोनों प्रॉफिट का जो नेचर है वो अलग है ये थर्टी लैख का जो प्रॉफिट है और ये सेवन लैख का जो प्रॉफिट है ये दोनों अलग नेचर का प्रॉफिट है तो उसको एक सिंगल हेड में जमा नहीं करेंगे अलग अलग हेड क्रिएट करेंगे दोनों अलग नेचर का प्रॉफिट है ना तो अलग अलग हेड में क्रिएट करेंगे सर बराबर क्या तो जो अपना नॉर्मल प्रॉफिट है रियलाइज प्रॉफिट ये अच्छा वाला प्रॉफिट है ये प्रॉपर वाला प्रॉफिट है तो इसको जब मैं जमा करूंगा तो इसको मैं रिटेन अर्निंग्स में जमा करूंगा कितना जमा करूंगा थर्टी लैक्स और जब मैं इसको जमा करूंगा ना ये गेन को तो क्या मैं इसको भी अर्निंग्स में जमा कर लू क्या नहीं नहीं दोनों का नेचर अलग है ना तो इसके लिए मैं एक अलग से रिजर्व क्रिएट करूंगा इसके लिए मैं एलिमेंट क्रिएट करूंगा इसका नाम क्या रहता है री रिजर्व। इसका मैं नाम दे दूंगा रीवैल्यूएशन रिजर्व काफी लोग इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं सेवन री re रिजर्व या री वैल्युएशन सरप्लस मतलब पहले ओसीए में दिखाया फिर ओसीए से एक अलग हेड में जमा किया बराबर ये आपका अदर इक्विटी बन गया ठीक है चलो सबको समझा क्या मतलब पीएनएल और ओसीआई का प्रॉफिट भी जमा होता जाके किधर ना किधर तो ठीक है सर ये बात हमको समझ गई आगे बढ़ जाते एक साल का और डिस्कस करतेवन का डिस्कस करते पीएनएल ठीक है तो ऐसा मान लो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात कर रहा हूं दो हजार सात की ठीक है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर तो इसमें पहला एलिमेंट है पीएनएल उसमें आएगा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लो सपोज रेवेन्यू कमाया एटी एक्सपेंस हुआ सिक्सटी कहां से आया सर ये फिगर्स अज्यूम किया मैंने ये फिगर्स ये फिगर्स मैंने क्या किया अज्यूम किया ठीक है तो आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी हीरो नेट इनकम इनकम आपकी हो जाएगी पीएनएल वाली ट्वेंटी लैक्स आपकी इनकम कितनी हो जाएगी पीएनएल वाली ट्वेंटी लैक्स ठीक है उसके बाद आप ओसीए वाला रिकॉर्ड करोगे ओसीए वाला क्या आप मुझे देखकर बताओगे इस साल में मेरे एग्जांपल में ओसीआई में कितना प्रॉफिट हुआ था तो चलो देखता हूं मैं भी 2007 में मेरे को ओसीआई का प्रॉफिट हुआ था थ्री लैक्स पता है आप ही ने एंट्री मारी थी इस थ्री लैक्स की याद आया यस या सर याद आ गया तो मैं लिख देता हूं एंट्री तो मारी थी इसकी तो आया रीवन गेन कितना थ्री लैक्स टोटल मिला के बनेगा TCI दैट इज PNL प्लस ओसीआई ट्वेंटी थ्री लैक्स

सपोज पहला एलिमेंट है मेरा रिटेन अर्निंग्स मुझे बताओ रिटेन अर्निंग्स में मेरा बैलेंस कितना दिखेगा दैट इज माई क्वेश्चन टू यू रिटेन अर्निंग्स में मेरा बैलेंस कितना दिखेगा करेक्ट है संजय लेकिन अभी डिस्कशन नहीं करेंगे उसका आपने जो बोला सही है लेकिन <coughs> बताओ अगर आपने बोला रिटर्न में ट्वेंटी लैक्स तो आप गलत हो मुझे किसने -किसने आंसर किया प्रचिता, इंद्रा, मनोज, साक्षी, कोमल श्रद्धा मुझे क्योंकि जब आप अदर इक्विटी में दिखाते हो तो ये एज ऑन डेट होता है मतलब आज तक का अर्निंग्स आज तक का अर्निंग्स मेरा पहले रिटर्न अर्निंग्स कितना दिख रहा है प्रीवियस ईयर में थर्टी लैक्स तो आप ऐसा लिखते हो आप बोलोगे पहले ओपनिंग थर्टी लैक्स फिर आप एड करोगे ड्यूरिंग द ईयर कितना और आएगा तो ड्यूरिंग द ईयर आएगा ट्वेंटी लैक्स और तो कितना हो जाएगा फिफ्टी लैक्स हो जाएगा एकदम बहुत बढ़िया आंसर यार बहुत बढ़िया आंसर सिमिलरली जब मैं बात करता हूं री सरप्लस की री वैल्युएशन रिजर्व की जो भी आपको नाम देना दे दो तो इसमें भी आप बोलोगे पहले ओपनिंग कितना पड़ा है सेवन लैक्स प्लस ड्यूरिंग अंदर थ्री लैक्स और आ जाएगा टोटल कितना हो जाएगा हीरो मतलब आप देखो पीएनएल आपसे उस रिस्पेक्टिव का दिखाते हो एन एल में आपसे दिखाते इसलिए बोलते हैं फॉर द ईयर बैलेंस शीट में जब आप इसको अक्यूमिलेट करते हो इस रिजर्व को तो आप बैलेंस शीट बनती है एज ऑन डेट मतलब आज तक का हिसाब बताओ तो आज तक का हिसाब ये रहा आपके सामने आई होप तुमको समझ आई ये बात ठीक है एक और चीज वापस से देखो का प्रॉफिट इज ऑलवेज रियलाइज प्रॉफिट तो ये तो अच्छा वाला प्रॉफिट है ये रिवैल सरप्लस जो है जो ओसीआई के प्रॉफिट की वजह से क्रिएट हुआ है इसका फ्यूचर में क्या होगा इसका फ्यूचर में क्या होगा मैंने क्या बताया सस्पेंस में रहो इंडिया में बात करूंगा तो चाहिए तो यहां वो चीज वापस लिखा देता हूं लिख दो लिख सकते हो इधर। इसका फ्यूचर में क्या होगा है ना वेन यू सेल द लैंड मतलब जिस एलिमेंट की वजह से ये प्रॉफिट आया है उसको बेचने पे इसका फ्यूचर में क्या होगा कहां डिस्कस करेंगे डिस्कशन इन इंडेस सिक्सटीन इंडेस सिक्सटीन में इसका डिस्कशन करेंगे गाइस सस्पेंस में रहो मुझे पता है शायद थोड़ा बहुत काफी लोगों ने आंसर किया है इसको बट इग्नोर करो उसको अभी आपके आंसर इग्नोर कर रहा हूं मैं ठीक है डिस्कशन इन इंडेसिक्सटी तो चलो हमको ये भी सीखने मिला कि फॉर द ईयर देखो ये बड़ी बेसिक सी चीज थी वैसे तो मुझे मान लेना चाहिए कि आपको आती होगी लेकिन अपने को रिक्स लेने का इच्छ नहीं है मैं आपको पूरा बेस से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है ठीक है तो ये भी हमको चीज समझ गया कि एज ऑन डेट वगैरह में ये जब अकूम होता हुआ चलता है बैलेंस शीट में ठीक है चलो ये देख लो आप अभी आपका फटाफट से देख लो एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और है फिर उसके बाद आपका स्केड्यूल स्केड का डिस्कशन खत्म हो जाएगा ठीक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपन ने पढ़ लिया देखो आप ध्यान से देखोगे ना आपको चलो मैं कुछ दिखाता हूं देखो ये मेरा अधर इक्विटी का स्टेटमेंट था याद है अधर इक्विटी का स्टेटमेंट देखो अधर इक्विटी के स्टेटमेंट में रिटर्न अर्निंग्स भी दिख रहा है अधर इक्विटी के स्टेटमेंट में और एक और एलिमेंट दिखेगा लास्ट में जाकर देखो री वैल्युएशन सरप्लस कैन यू सी दिस तो देखो दो अलग हेड क्रिएट हुए ना अदर इक्विटी में वैसे ही ऐसे अलग अलग नाम के हेड आते हुए चलते तुम थोड़ा बहुत बेसिक रहा। ये आपका देखो प्रॉफिट लॉस में कैसा है पहले आपका इनकम साइड आएगा पीएनएल का फिर आपका एक्सपेंस साइड आएगा पीएनएल का फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस बराबर फिर उसमें आप एक्सेप्शनल आइटम माइनस करोगे आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर उसमें आप टैक्स माइनस करोगे आपको मिलेगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटेनिंग ऑपरेशन डिस्क कंटेनिंग का प्रॉफिट डिस्कनिंग अलग से दिखाते हैं ये क्या होता है छोड़ दो तो इग्नोर करो उसको फिर आपको अल्टीमेटली मिलेगा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का मतलब होता है ये आपके पीएनएल वाला साइड का प्रॉफिट है ये आपका पीएनएल का प्रॉफिट है पीएनएल का प्रॉफिट दिखाने के बाद अपन कौन सा प्रॉफिट दिखाते हैं ओसीआई का प्रॉफिट दिखाते हैं देखो पीएनएल का प्रॉफिट दिखाया फिर अपन ओसीए का प्रॉफिट दिखाते हैं फिर पीएनएल प्लस ओसीए दोनों मिला के बनता है टीसीए देखो इधर नीचे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपराइजिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड बराबर ये आपका बनता है टीसीए लिख सकते हो पीएनएल प्लस ओसीए मिलाकर बन गया आपका टीसीए और कुछ है ही नहीं इसके अंदर क्या तुमको ये बात समझ में आती है क्या समझ में आती है सर ठीक है अब है ना एक लास्ट चीज दिखा रहा हूं फिर खत्म हो जाएगा फिर ईपीएस वगैरह आप दिखाते हो वो तो ठीक है <coughs> अगर आप ध्यान से देखोगे ना ओशिया वाले साइड को तो ओशिया में देखो ए और बी करके रखा है ठीक है ऐसा कुछ तो लिखा है एक बार रीड कर रहा हूं मैं सिर्फ क्या लिखा है ठीक है क्या बोला हुआ है आइटम्स दैट विल नॉट बी नॉट बी रिक्लाइड टू पी ऐसा कुछ तो लिखा है ए वाले हेडिंग में ठीक है और बी वाले हेडिंग में क्या लिखा है

कि ओसीआई के अंदर भी एक छोटी सी कैटेगराइजेशन है ओसीआई ओसीआई आर वापस से सिर्फ इतना मान के चलो ओसीआई के अंदर भी छोटी सी कैटेगराइजेशन है ओसीआई ओसीआई आर अब कौन सा आइटम आर में आता है उसका बाद भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स में होएगा उसका बाद भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स में होएगा तो ये चीज मैं चाहूंगा एक बार मैं नोटबुक में भी लिख दू ठीक है तो नोटबुक में आ जाओ आ जाओ नोटबुक में जहां मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लिखाया था ना जहां मैंने प्रॉफिट एंड का फॉर्मेट लिखाया था यहाँ एक जगह मैंने भी दो कैटेगरी होते हैं ओसीआई के एक होता है ओसीआई एनआर और एक होता है ओसीआई आर ऐसा लिख दो एक होता है ओसीआई एनआर एक होता है ओसीआई आर ओसीआई एनआर ठीक है और ओसीआई आर एनआर का फिर फुल फॉर्म बाजू में लिख दो नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल और का फुल फॉर्म लिख दो टू पीएनएल ठीक है एक हो गया एनआर एक हो गया आर अब कौन से आइटम एनआर में आएंगे कौन से आइटम आर में आएंगे इस ये क्या होता है दोनों का मतलब दोनों का मतलब भी क्या है एनआरआर का इसका भी डिस्कशन मैं एक इंडेक्स में करूंगा तो लिख दो बाजू में डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओ एनआर एंड ओ सीआईआर In 16 हम इसका डिस्कशन 16 में करेंगे में में ये एनआरआर का मतलब ही क्या है उसका मतलब, डिस्कशन पहला ये छोड़ा. ये जो आप करते जा रहे हो नाई के अंदर इसका फ्यूचर में क्या होगा ये दोनों बातें मैं इंडेटीन में करूंगा ठीक है फिलहाल के लिए अपना खत्म हो जाता है इधर ठीक है एकदम बढ़िया तरीके से आपने स्केड्यूल थ्री कर लिया है स्केड्यूल थ्री में जैसे मैंने बताया ना ओ सी आई में आर एनआर है एक समरी दे रखी है नीचे मैंने अगर आप स्केड्यूल का खत्म होने पर नीचे जाओगे ना पेज वन पॉइंट वन जीरो पे तो एक समरी दिखेगी ओसीआई की समरी आइटम्स जो एन आर वाले है आइटम्स जो आर वाले है ठीक है एनआर वाले में कौन से कौन से आइटम्स आते हैं आर वाले में कौन से कौन से आइटम्स आते हैं ये एक समरी की तरह है ये समरी आपका एफ के पूरा खत्म होने के बाद काम आएगा मतलब ये फर्स्ट रिवीजन में समरी काम आएगी पैसा लिख दो ये समरी ऑफ आइटम्स इन ओसीआई एनआर एंड आर लिख दो यूजफुल ड्यूरिंग फर्स्ट रिविजन ऑफ एफआर अभी कुछ काम की नहीं अभी समझेगा ही नहीं क्या लिखा उसके अंदर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुमको बस लिख दो ये यूजफुल रहेगी फर्स्ट डिविजन के इसलिए मैंने दे रखा है कल को आप एफ एक बार पूरा पढ़ने के बाद भी किताब तो खोलोगे ना अरे खोलोगे नहीं खोलोगे खोलोगे ना तो तब समझ आ जाएगा ठीक है <coughs> चलो तो ये अपना स्केड्यूल थ्री का डिस्कशन हो जाता है खत्म अब अपन छोटा सा ब्रेक ले सकते हो ब्रेक के बाद अपन इंडेस सिक्सटीन का डिस्कशन शुरू करेंगे क्लियर क्या ठीक है परफेक्ट मैं ब्रेक पे जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा जो मैंने आपको ये स्केड्यूल थ्री के बारे में बताया एक छोटा रिविजन करवा दू और फिर ब्रेक दे दू छोटा सा रिविजन स्मॉल रिविजन स्केड्यूल थ्री के बारे में कि जो जो मैंने बताया तो स्केड्यूल थ्री का क्या अच्छा रिविजन हो जाएगा अपना एक बढ़िया सा है ना क्या बोलते हो यस yes. चलो फटाफट से आपन एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं सुनो स्टार्टिंग द रिवीजन इन थ्री टू वन एंड सबसे पहले स्कड्यूल थ्री के फॉर्मेट की बात करता हूं। अपने को AS में डिवीज़न आएगा, आएगा, आएगा सिर्फ इक्विटी कैपिटल और अदर इक्विटी नो रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस कहा जाएगा हमको नहीं पता ठीक है और फिर आएगा लाइबिलिटी नॉन करंट करंट इक्विटी का नोट्स नहीं बनेगा बनेगा स्टेटमेंट उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ठीक है ध्यान रखना ये आपका पहला हो गया, loss, sorry, हो गया गया प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में एक एलिमेंट का बनेगा अलग से स्टेटमेंट उसका बात किया मैंने फिर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस आज के बाद ध्यान रखना इंडेक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के दो हिस्से हैं एक पी एन एल और एक ओसीआई ठीक है ओसीआई में सिर्फ वो ही अनर गेम्स लॉसेज आएंगे जो इंडेक्स बताएगा तुमको वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ते हुए चलेंगे लेकिन इस दुनिया के सारे अनरियलाइज गेन लॉस ओसिया में नहीं आते जो इंडेस ने बताया वही वाले आते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव इंडेस में देखेंगे कौन से आते हैं ठीक है लेकिन ओसिया क्यों बनाया उसका आपको रीजन मैंने नीचे बताया था टू तो रिकॉर्ड अनरियलाइज गेन्स एंड लॉसेस बट नॉट ऑल ठीक है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जो पीरियड वाला पार्ट है वो सेम है रेवेन्यू उसमें ऑपरेशन अदर इनकम फिर एक्सपेंसेस आएंगे बहुत सारे ठीक है फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस लेस करोगे एक्सेप्शनल लेस करोगे टैक्सेस मिलेगा पैट ये जो पैट मिला ये पीएनएल का प्रॉफिट है फिर आएगा ओसीआई वाला सेक्शन ठीक है ओसीआई के भी दो कैटेगरी होती है एनआर और आर अब ये क्या होता है हमको नहीं पता बट ओसीआई होता है हमको पता है ठीक है पीएनएल ओसीआई दोनों मिला के क्या बनता है आपका टीसीआई ये भी अपने को पता है ठीक है फिर मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया था लैंड वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक बात ध्यान रखना अगर आप लैंड को फेयर वैल्यू पे रखते हो तो जब तक लैंड नहीं बेच रहे हो तब तक जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज हुआ उसको बोलते हैं रीवैलशन गेन वो ओसीआई में जाता है जिस साल आपने लैंड को बेच दिया उस साल जो गेन हुआ उसको बोलेंगे रियलाइज गेन ये जाएगा पीएनएल के अंदर जब बेचोगे तो पुराने वाले अनर गेन का क्या होगा हमको नहीं पता इंडेक्स इंडिया में पढ़ेंगे ठीक है ओके सर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई जो प्रॉफिट लॉस होता है वो बनता है फॉर द ईयर जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है एज ऑन डेट इसका सिंपल मतलब ये है

एक मिनट एक्स्ट्रा दिया तुमको तुम भी क्या याद रखोगे <coughs> साक्षी आप मुझे उस पर टेलीग्राम पे पूछ लो ठीक है आस्था मैंने क्या बोला थोड़ा सा डिस्कशन आपको छोड़ना पड़ेगा रिस्पेक्टिव इंडेक्स के लिए कब लॉस आएगा कब प्रॉफिट आएगा वो आपको समझेगा बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए ठीक उस है चलो उसे का जो बैलेंस आता है पीएन में, में जाएगा क्या मोहम्मद अगेन चलो मैं आपको इसका आंसर कर देता हूँ आपने पूछा है तो जैसे लैंड पे जो गेन हुआ वो जाएगा रीवैल्युएशन रिजर्व में वैसे अलग अलग आइटम्स पे गेन होते हैं लैंड छोड़ के मतलब पीपी -पी छोड़ के कोई दूसरा आइटम पे गेन हुआ तो उसका अलग हेड बनता हुआ चलता है मतलब ओसिया में जितने आइटम्स आते हैं ना सबका अलग अलग हेड बनता हुआ चलता है वो आप बाद में सीखोगे ये चीज़ ठीक है ऐसा चलो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी मिले ओसिया वाले चीज़ पे बस इतना मालूम होना चाहिए कि ओसिया नामक कोई चीज़ होती है इतना पता है तो मैं बाकी इंडेक्स में आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा आपके साथ बस इतना ध्यान रखना ठीक है चलो चलो अभी ब्रेक ले लो कितने टाइम में मिलोगे ब्रेक के बाद एट थर्टी सिक्स को शार्प आ जाना मस्त आना टाइम से वरना मैं घर पे आके लेके जाएगा तुमको ठीक है चलो बाय आफ्टर द ब्रेक चलो कंटिन्यू करेगा हीरो लोग चैप्टर शुरू करेंगे अभी एक कर दो शुरू बोलो हो जाओ शुरू यस कृष्णा छोड़ दूंगा दस के पहले छोड़ दूंगा टेंशन मत लो आज हा हा, हा। शुरू कर रहा हूं मैं ऑल सेट चलो अब अपन पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर है इंडे सिक्सटीन पेज नंबर खोल लो नाइन पॉइंट वन अपने किताब का किताब आई है तो तुम्हारे पास नाइन पॉइंट वन इंडेस सिक्सटीन पी जो तुम्हारा ए एस टेन हुआ करता था अच्छा भाई दे मुझे क्या एजम्पन लेना चाहिए तुमको ए एस वाले कंसेप्ट आते कि नहीं आते ये बताओ क्या एजमशन लेना चाहिए सर देखो ए एस पढ़ के तो आया तो एजम्पन ले लो सर आते होंगे है मेरे को पता तुमने क्या कितना ए एस पढ़ा और कितने तमीज से पढ़ा है तो मेरा एजमशन है तुमको ए एस का ए भी नहीं आता

इंडे सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से क्या बोलूंगा पीपीई -E. ठीक है पी पीई -E. <coughs> अब मेरा एक पढ़ाने का तरीका है जब भी मैं कोई इंडेस डिस्कस करूंगा तो उसके पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा ठीक है जिससे अपने को मालूम पड़ेगा इस इंडेस में कितने पॉइंट है पढ़ने के लिए फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ना रिकग्निशन पढ़ना है, ऐसे करते करते तो तेरह पॉइंट है ये चार्ट यूजफुल ज्यादा चैप्टर के एंड में होता है क्योंकि अपने को मालूम पड़ता है अच्छा अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ठीक है तो इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर में है कितना उसके अलावा मैंने वेटर बता रहा है कि छह से बारह मार्क के बीच में आता है नॉट नेसेसरी कि हर टाइम में आए बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बिकॉज अगर ये ढंग से किया तो इसके ऊपर डिपेंडेंट तीन चार स्टैंडर्ड है वो आपके अच्छे से हो जाएंगे ठीक है और वो सब मिला के आई जाते हैं एग्जाम में तो ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है बड़ा ईजी है बड़ा मजा आएगा तुमको पढ़ने में ठीक है नॉट डिफिकल्ट वेरी इजी बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मजा तो आएगा पढ़ने में ठीक है तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम आओ सबसे पहले हम जो मैं पढ़ाऊंगा वो है डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ वॉट मैं दो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा एक पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ पीपी और एक पढ़ाऊंगा डेफिनेशन ऑफ बैरर प्लांट अब ये बैरर प्लांट क्या कर रहा है इधर वो बाद में बताऊंगा पहले पीपी की बात कर लेते तो पीपी होता क्या है बोलता है सबसे पहले इट इज अ टेंजेबल आइटम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेबल आइटम जिसके अंदर सब्सटेंस होता है फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है ठीक है अब ये फोन को मैं फील कर सकता हूं यस टेंजेबल आइटम ठीक है सिंपल तो उसको बोलते हैं टेंजेबल आइटम्स उसके बाद क्या आता है सेकंड पॉइंट है हेल्ड फॉर यूज है ना

गुड्स बनाने में यूज करेगा तो भी वो पीपी -पी के लाएगा क्लियर है वाला पार्ट यस yes. इसके अलावा हेल्ड फॉर यूज होता था फॉर रेंटल टू अदर्स सपोज मेरी बहुत सारी टैक्सीज है और वो मैं टैक्सी दूसरों को रेंट पे देता हूँ रेंट पे देता हूँ मेरा धंधा ही है रेंट पे देना सबको टैक्सी तो उसको बोलते हैं रेंटल टू तो अदर्स तो ये भी मेरे लिए वो टैक्सीज मेरे लिए पीपी होगी ठीक है उसके अलावा लास्ट में क्या बोलता है या फिर फॉर एडमिन परपज सपोज मैंने बहुत सारे स्टाफ रख के रखे है जो बैकहेंड में मेरा नोट्स बनाने वाला काम आपका एडमिशन लेने वाला काम ये सब करता है तो वो स्टाफ लैपटॉप वगैरह यूज करता है उसको बोलता है एडमिन परपज ठीक है तो बेसिकली इतना याद रखो अगर हेल्ड फॉर यूज है तो पीपी रहेगा आपके लिए ठीक है उसके अलावा इट शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड इसका मतलब क्या समझाने का ट्राई करता हूं सपोज मेरे पास है ना ये स्टेशनरी है ठीक है स्टेशनरी देख रहे मार्कर ये वो करके बताओ ये स्टेशनरी मेरे लिए एक्सपेंस है या असेट है ये मार्कर वगैरह कभी किसी कंपनी में देखा है मार्कर को असेट रिकॉर्ड किया हुआ है बताओ ये मार्कर हाईलाइटर ये सब क्या है मेरे लिए खर्चा है या असट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वेरी गुड आंसर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस ठीक है ये अगर मैं इस फोन की बात करूंगा एक गरीब फोन की बात करूं अगर मैं है ना इस फोन को आप क्या बोलोगे इस फोन को आप असट बोलोगे खर्चा बोलोगे हाँ इसको असट बोलेंगे सर क्यों इसको असट को खर्चा क्यों बोला आपने क्योंकि ये फोन का बेनिफिट मुझे एक साल से ऊपर मिलेगा इस फोन की लाइफ इज मोर देन वन ईयर

आईफोन का सिर्फ कवर है गाइस रियल फोन मेरा बताओ तुमको वनप्लस है देखो बिना कवर का वनप्लस है वो तुम यार गाइस यार कम ऑन यार तुम गरीब का मजाक मत उड़ा करो यार कवर है सिर्फ गाइस तुम लोग भी यार क्या एक-एक बात तुमको समझानी पड़ती है सब आए नहीं कि आए दिन गरीब का मजाक उड़ाते रहते फालतू का मैं नहीं खेल रहा गाइस मैं नहीं खेल रहा इसे एनीवेज चलो ठीक है क्या मस्त मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो यार मैं रो दूंगा मैं रो दूंगा ध्यान दो इधर तुमको समझा मीनिंग ऑफ पीपी पीपी का मतलब समझ गया सर हाँ क्या झूठ बोल अरे तुम्हारी कसम <laughs> तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ अगर मैं झूठी कसम खाई तुमको सीएम दो टाइम लग जाएंगे सच्ची <laughs> बोले के, सर, देखो फालतू कसम मत खाओ सर ठीक है एनी इधर आओ अरे बाबा नहीं है तुम मैं मैं नहीं खेल रहा तुम लोग पहले मानो ये मेरे पास वन प्लस है तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा वरना नहीं पढ़ाऊंगा ठीक <laughs> है अरे वन प्लस सेकेंड हैंड है वो चलो एनी वे छोड़ो वो सब तुम्हारा अटैम्प वैसे ही गया तुम क्या करोगे अटैम्प का पांच पांच देख पास होने का मस्त आराम से सर फालतू तो देखो पनौती मत लगाओ मैं बड़ा पनौती आदमी हूं मैं लगा देता तो लग जाती है पनौती एनीवे anyway, छोड़ो वो सब तुमको पीपी का मतलब समझ गया है, उसके एक और चीज़ है लूंगा तो इसको ऐसे आरो मारो, लिखो, मैंने बताया था ना यस्टरडे एन बी मतलब नोटबुक में एग्जाम्पल आ जाओ तो बैरर प्लांट को अपन समझेंगे नोटबुक में लिखकर सर ये चार्ट जगह छोड़े क्या तुम्हारी मर्जी तुमको प्रिंट ले लेना तुमको चाहिए जगह छोड़ देना ठीक है एक पे छोड़ देना बाद में कॉपी करते बैठना घर पे लिखो मैं बैरेट प्लान को एक्सप्लेन कर रहा हूं सबसे पहले बैरेट प्लान होता क्या है ठीक है वो समझने का ट्राई करते हैं अपन सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल एसेट्स सर ये बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है बायोलॉजिकल एसेट के बारे में एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स में अपन पढ़ते हैं दैट इज इंडेक्स अपन ने पढ़ा नहीं अब तक वो बाद में आएगा उसका नाम है खेतीबाड़ी खेतीबाड़ी मतलब एग्रीकल्चर ठीक है तो ऐसे बायोलॉजिकल अट इज मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकलट इट आइदर लिविंग प्लांट्स मतलब जो 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 होते हैं ना, उसको बोलते या फिर जो तुम लोगो, जो तुम लोगों, लोगों मतलब अरे अपने घर वाले अपने क्या बोलते हैं कुत्ता बिल्ला एनिमल्स अपने घर वालों के लाभ एनिमल्स ही है ना मेरे मैं तो इंसान हूं तुम्हारे घर वालों को तुम एनिमल ही हो देखो लड़कों को तो ऐसे ही बोलते हैं ना कुत्ते उड़ जा तो वैसे तुम एनिमल हो ठीक है तो वही लिविंग प्लांट्स या फिर जो तुम लोग एनिमल्स ये दोनों को बोलते बायोलॉजिकल असेट क्या बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल असेट ठीक है अब इस लिविंग प्लांट के होते दो बाइफर्केशन इस लिविंग प्लांट के होते दो बाइफर्केशन एक होता है बैरर प्लांट एक होता है नॉन बैरर प्लांट्स तो लिखता हूं एक होता है बेरर प्लांट्स एक होता है ठीक है ना वट इज द मीनिंग ऑफ बैरर प्लांट्स किसी भी प्लांट जिसका लाइफ मोर देन वन ईयर है उसको बोलते हैं बैरर प्लांट्स एग्जाम्पल दो सर कोकोनट ट्री मैंगो ट्री बराबर तो मैं लिख देता हूं बैरर प्लांट का लाइफ होता है मोर देन वन ईयर लाइफ इज मोर देन वन ईयर ठीक है क्योंकि इसका लाइफ एक साल से ज्यादा है तो वो बोलता है इसको हम इन डेज सिक्सटीन में कवर करेंगे सर एग्जाम्पल ऑफ बैर प्लांट तो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैंगो ट्री क्या मैंगो ट्री का लाइफ इज मोर देन वन ईयर यस इट इज अ अर प्लांट कोकोनट ट्री लाइफ मोर देन ईयर यस इट इज अ प्लांट तुमको समझा मैंने क्या बोला <coughs> तो इस मैंगो ट्री को उन लोग इंडेस फोर्टी वन खेती बाड़ी में कवर नहीं करते उन लोग बोलते हैं इस मैंगो ट्री को हम घसीट के लेकर आकर 16 में कवर करेंगे इंडेसटीन में कवर करेंगे अब आप बोलोगे सर

फाइव इयर्स तक पार्ले जी बिस्किट बना के देगी ठीक है फाइव इयर्स तक पार्ले जी बिस्किट बना के देगी तो मैं क्या बोलता हूं ये जो मशीन है ये मशीन मेरे लिए क्या रहेगा पीपी यही बोलता ना मशीन मेरे लिए क्या रहेगा पीपी सिमिलरली ये जो मैंगो ट्री है मुझे बताओ मैंगो ट्री से क्या मिलेगा अपने को मैंगो ट्री से अपने को मिलेगा मैंगो बराबर कितने इयर्स तक मैंगोज मिलेंगे सिर्फ साल नहीं फॉर मोर देन वन ईयर बराबर मैंगो ट्री से मिलेगा मैंगो फॉर मोर देन ईयर तो एक तरीके से पार्ले जी कंपनी के ओनर के लिए ये मशीन से बिस्किट मिल रहा पांच साल तक तो उसने मशीन को बोला पीपी सिमिलरली फार्मर के लिए ये ट्री से उसको मिलेगा मैंगोस कितने सालों के लिए तो फार्मर के लिए तो ये मशीन की तरह हो गया ना उसके तो बोलते हैं फार्मर की मशीन है ये बैरल प्लांट इसलिए इसको हम इंडेस 16 में कवर करेंगे कहाँ कवर करेंगे इंडेस 16 में कवर करेंगे क्या तुमको ये सिंपल सी बात पल्ले पड़ती है क्या यस अच्छा सर ये मैंगोस किधर कवर होंगे देखो ये मैंगोस का डिस्कशन हम इंडेस 41 में करेंगे एक बात समझ के लेना थोड़ा सा फर्क समझ के लेना मैंने बोला मैंगो ट्री मेरे लिए बैरल प्लांट है और मैंगो ट्री को मैं सिक्सटीन में कवर करूंगा

<coughs> चलो सिर्फ बैरर प्लांट अगर कोई एनिमल होता तो एनिमल या नहीं एनिमल वगैरह सब फोर्टी वन में कवर्ड है ठीक है क्या ध्यान रखना तो तुमको तो चाहिए लिख के रखो बाकी सब चीज़ 41 में है। ये एनिमल इंडेस मतलब फोर्टी वन ये बैरर नॉन बैरर प्लांट नॉन बैरर मतलब तो तुम लोग किधर तुम लोग तुम लोग सब फोर्टी वन में कवर्ड हो मन में कोई गाली दिया मेरे को ये सब सुनने के बाद कोई मन में गाली दिया ना आकाश कंदोई को ऐसा गाली दिया दो चाहिए यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसका मतलब क्या है बैर प्लांट से क्या मिलता है मैंगो ट्री से मिलता है मैंगोस तो वो यही बोलता है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोस ऐसा बोल दो एग्जाम्पल ले लो इसका मैंगो ट्री और इस मैंगो ट्रीज्म क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं मैंगोस मैंगोस को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो एक तो लिविंग प्लांट होना चाहिए इट शुड बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोस एक्सपेक्टेड टू बे प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड मतलब ये मैंगोस देगा एक साल से ऊपर के लिए ठीक है एक साल से ऊपर के लिए मैंगोस देगा अब लास्ट पॉइंट समझने का ट्राई करना क्या बोलते हैं एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसका मतलब क्या है देखो अगर मेरा बिजनेस मैंगो ट्री को ही बेचना है कभी कभी होता है ना कोई आदमी मैंगो ट्री से मैंगो निकाल के मैंगो नहीं बेचता है किसी किसी का बिजनेस ही होता है मैंगो ट्री को बेचूंगा तो अगर आपका धंधा है मैंगो ट्री को बेचना तो फिर मैंगो ट्री आपके लिए पीपी -पी नहीं होगा ध्यान से समझना सपोज ये पार्ले जी बिस्किट जो मशीन बनाती है ये मशीन को मैं बेचता हूं मेरा धंधा है मशीन को ये बेचना खरीदना तो फिर ये मशीन मेरे लिए पीपी नहीं रहेगा फिर ये मशीन मेरे लिए क्या रहेगा इन्वेंट्री रहेगा सिमिलरली अगर आपका धंधा मैंगो ट्री को बेचना है तो फिर मैंगो ट्री इज नो मोर अ पीपी फॉर यू वो यही बोलता है दैट मैंगो ट्री शुड है रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बींग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब आपका धंधा मैंगो ट्री को बेचना नहीं होना चाहिए मैंगो ट्री को बेचना धंधा है तो फिर वो आपके लिए पीपी पी नहीं होगा इसलिए बोलते हैं रिमोट लाइवलीहुड होना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ ये थोड़ा हिंदी भाषा में लिखूंगा आसान भाषा में लिखूंगा तो बेटर समझेगा लिखो इधर मैंगो ट्री को सेल करना शुड नॉट बी माई बिजनेस अगर उसको बेचना मेरा धंधा है तो फिर वो पीपी नहीं है इधर आगे एक और चीज लिखी है एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स इसका मतलब हाँ ट्री की लाइफ खत्म हो गई फिर लाइफ खत्म होने के बाद लकड़ा काट के ओके okay. वो तो लाइफ खत्म होने के बाद तो scrap बेचेंगे ना, scrap sales चलेगा, but main mango tree को बेचना नहीं होना चाहिए आपका ठीक है सिंपल सी बात है बस ध्यान रखना इतनी सी बात चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ू चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर ये मेरा पहला पॉइंट था विच डेफिनेशन दो डेफिनेशन बताया मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया पीपीई का एक डेफिनेशन आपको मैंने बताया किसका बैरर प्लांट्स का क्लियर ठीक है सर आगे बढ़ सकता हो क्या आप इजाजत दोगे तो आगे बढ़ूंगा चलो आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट इज रिक्शन क्राइटेरिया नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्नेशन क्राइटेरिया देखो किसी भी इंडेक्स का फ्लो समझने का ट्राई करना कोई भी इंडेक्स का फ्लो क्या होता है सुनो पहले हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है बराबर उसके बाद हम देखेंगे अच्छा डेफिनेशन मीट हो गया तो उसको रिकॉर्ड करूंगी नहीं करूं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगी नहीं करूं रिकग्नेशन क्राइटेरिया ठीक है उसके बाद बोलते हैं मेजरमेंट अच्छा रिकॉर्ड करने वाले हो तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे मेजरमेंट वापस से पहले डिफाइन करेंगे पीपी है या नहीं है अच्छा पीपी है

जब उसका लाइफ इज मोर देन वन ईयर मोर देन वन ईयर इसका मतलब आपको उस पीपी -पी से क्या मिलने वाला है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है है ना तभी तो वो असर बनेगा ना आपके लिए उसके अलावा रिक्नेशन का सेकंड कैटेरिया क्या है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली अरे जब किसी भी पीपी -पी को रिकॉर्ड करोगे तो कोई वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना तो जब उसकी वैल्यू ढूंढ पाओगे ना उसकी कॉस्ट ढूंढ पाओगे तभी आप उसको रिकॉर्ड करना ठीक है तो रिक्नेशन कैटेरिया में दो है

मेजरमेंट मतलब कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो अगर आपको ध्यान से मैं दिखाऊं ना तो मेजरमेंट के दो बाइफर्केशन होते हैं एक होता है इनिशियल मेजरमेंट एक होता है मेजरमेंट मेजरमेंट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल जब आप पीपी को पहली बार खरीदते हो ना तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे इनिशियल मेजरमेंट अच्छा सब्सिक्वेंट मतलब एक बार रिकॉर्ड किया फिर एवरी ईयर एंड पे भी रिकॉर्ड करेंगे ना तो एवरी ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट

खरीदने के बहुत सारे तरीके होते हैं या तो आप उसको बाजार से खरीद लो या फिर आप उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर लो कभी कभी मैं खुद बना सकता हूं ना अट मेरा अच्छा या फिर आप एक्सचेंज में एक्वायर करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज मतलब मैंने अट खरीदा तो सही लेकिन बदले में कैश नहीं दिया बदले में दूसरा सेट दिया तुम समझ रहे हो फॉर एग्जांपल अभी ऐसा मान लो मैंने ना असट खरीदा इससे कोई ढंग का नाम बताओ भाई सपोज मैंने असर खरीदा अखिलेश से ठीक है तो अखिलेश को बोला तेरा जो फ़ोन है मुझे दे दे मैं तुझे एक फ्लाइंग किसी दे दूंगा अब <laughs> फ्लाइंग किसी असेट दिया भाई नहीं नहीं मुझसे मैंने असट खरीदा उसका फोन लिया और मैंने बोला चलिए माउस तू रख ले ए, माउस तू रख ले ठीक है तो हो गया एक्सचेंज ऑफ असेट तो ऐसे एक्सचेंज में एक बार कर सकते हो क्या स्कीम दे रहे हो सर एनीवेज उसके अलावा कभी कभी अपन असेट गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में एक बार करते हैं कभी कभी होती है गवर्नमेंट आती है बोलती है तुम बहुत मस्त काम करते है आकाश भाई तो बोला ये कैमरा रखो फ्री में रखो कैमरा उसको बोलते गवर्नमेंट ग्रांट में मुझे असट आ गया ठीक है तो अलग अलग तरीके होते हैं असट खरीदने के हर एक केस में असट की कॉस्ट क्या होगी जैसे अपन ने क्या बोला हमको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है तो इन सारे केसेस में असट की कॉस्ट क्या होगी <laughs> बोलते फ्लाइंग से नीचे है सर अपना फोन नहीं दूंगा मैं ठीक है सॉरी डिस्कस <coughs> करते अभी अगर आपने असट परचेस किया है तो कॉस्ट क्या होगी सुनो बड़ा सिंपल है आपने बहुत बार पढ़ भी रखा है बचपन में तो बड़ा सिंपल है समझना वो बोलता है ठीक तो है कॉम्पोनेट ऑफ कॉस्ट इफ परचेस्ड पहले बोलते हैं परचेज प्राइस जो भी आपने उसको खरीदने के लिए दाम भरा है उसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट एक ऐसा डिस्काउंट जो आप सबको देते हो जो आप सबको देते हो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज आपने मेरी एफ की क्लास परचेस करी ठीक है मान लो मैंने ऐसा रखा है एम आर पी फिफ्टीन ट्रिपल नाइन फिर ऐसा मैंने काटा ऐसा काटा काटा तो वो करती थी सर एनी ऐसा काटा मैंने और बोला ऑफर प्री बुकिंग ऑफर आप ले लो टेन ट्रिपल नाइन में अब मुझे बताओ ये डिस्काउंट तो मैं सबको दे रहा हूं ना तो रियल में कॉस्ट क्या होगी तुम्हारे क्लास की तुम जो क्लासे खरीदोगे कॉस्ट क्या होगी तुम्हारे लिए विल इट बी फिफ्टी ट्रिपल नाइन या टेन ट्रिपल लाइन तुम बोलोगे टेन ट्रिपल नाइन बिकॉज तुमने भरा तो इतना ही है अबे ये तो मैं दिख, दिख वो तो येडा बनाते तुमको कि ऐसा दिखा के काट के फिर बोला ले सस्ते में मिल गया कुछ सस्ता नहीं सबको सबको तो तो सब मिल रहा है वो आप कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे वो आप कॉस्ट में से माइनस कर देना सब ने सही आंसर दिया टेन ट्रिपल नाइन में रिकॉर्ड करेंगे वेरी गुड उसके अलावा कॉस्ट में और क्या रिकॉर्ड करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इसका मतलब क्या है चलो एग्जांपल देता सपोज अभी एग्जाम्पल में मैं आईफोन खरीद लू एग्जाम्पल में अमीर बन जाओ थोड़ा सा तो मान लेते मैंने आईफोन खरीदा ठीक है उसकी कॉस्ट कुछ ऐसी थी was, say, 50, 000, 18 तो एटीन परसेंट कितना नाइन थाउजेंड आ जाएगा टोटल हो गया फिफ्टी नाइन थाउजेंड माई क्वेश्चन टू यू एस माई क्वेश्चन टू यूएस जब मैं असट को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं फिफ्टी थाउजेंड पर रिकॉर्ड करूँ या फिर फिफ्टी नाइन थाउजेंड पर रिकॉर्ड करूं मेरे लिए कॉस्ट क्या है मतलब ये टैक्स को मैं कॉस्ट का पार्ट बनाओ कि नहीं दैट इज माई क्वेश्चन ये टैक्स को मैं कॉस्ट का पार्ट कि नहीं बनाओ? बताओ तो मुझे प्रचिता ने बोला फिफ्टी नाइन थाउजेंड होना चाहिए बाकी लोग क्या बोलते बाकी लोग क्या बोलते हैं अच्छा शादाब बोलते हैं फिफ्टी नाइन होना चाहिए मोहम्मद बोलते हैं फिफ्टी नाइन होना चाहिए आदित्य बोलते हैं फिफ्टी होना चाहिए सर कृष्णा ने मुझे सही आंसर दिया सुनो जिसने बोला फिफ्टी थाउजेंड होना चाहिए आप पार्शली राइट पार्शल रॉन्ग हो जिसने बोला फिफ्टी नाउंड होना चाहिए आप भी पार्शली करेक्ट पार्शली रॉन्ग हो ऐसा क्यों इट डिपेंड्स ये मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इट डिपेंड्स अगर आपको इस जीएसटी का क्रेडिट मिलने वाला है मतलब एक तरीके से रिफंड मिलने वाला है है ना उसको बोलते हैं आई अगर आपने पढ़ा रहेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये जीएसटी का ऐसा मान लो आपको बेनिफिट मिलने वाला है किसी और खर्चे के अगेंस्ट बेनिफिट मिल जाएगा आपको तो अगर इसका बेनिफिट मिलने वाला है ना तो उसको बोलते हैं रिफंडेबल टैक्स हो गया ये तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा लेकिन अगर सपोज ये टैक्स नॉन रिफंडेबल होता नॉन रिफंडेबल तो ही तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा तुम समझ रहे हो क्या तो इसको कॉस्ट का पार्ट बनाए कि नहीं बनाए तो ध्यान रखना अगर ये रिफंडेबल होता तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा लेकिन अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो ही ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा ध्यान रखना तो एग्जाम में क्या करे सर उसको ज्ञान मत देकर आना अपना आईडीटी का क्वेश्चन में बोला गया रहेगा क्या करना है उसका तो वैसे ऐड करना इसलिए बोला सिर्फ और सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कंसिडर करने हैं पल्ले बढ़ती है बात क्या ध्यान रखना चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं तो यह हो गया परचेस प्राइस लेस ट्रेड टैक्सेस उसके अलावा एड ऑल दी डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसिस मतलब क्या वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसिस असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी खर्चे रेलिवेंट है वापस से अट को रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी खर्चे रेलिवेंट है उसको बोलते हैं डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस बराबर मतलब ये खर्चा किए बिना आप असेट को रेडी नहीं कर पाओगे अगर ऐसा कोई खर्चा है तो उसको भी आप कॉस्ट में एड करोगे सर एग्जाम्पल दो पहला एग्जाम्पल देखो एक एक करके रीड करता हूं मैं इंप्लॉय कॉस्ट इंप्लॉय कॉस्ट नॉर्मली खरीदने वाले असट में काम नहीं आता है जब आप असट सेक्ट करते हो ना वहां काम आता है तो एक बार इसको इग्नोर कर दो ठीक है बट अगर आपने खुद बनाया रहेगा ना असट तो जो भी इंप्लॉयट को बनाने में इन्वॉल्व है उनकी पगार वगैरह आप कैपिइज करते हो उसके अलावा कॉस्ट ऑफ साइट कॉस्ट ऑफ साइट मतलब यह भी अगेन जब सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे तब रेलिवेंट ज्यादा होता है ठीक है उसके अलावा डिलीवरी वाले खर्चे डिलीवरी का खर्चा एंकर के पे ना आप असट को ले नहीं पाओगे इंस्टॉलेशन के खर्चे है ना कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन इसका मतलब क्या है अब ये जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वाला पॉइंट है ना इसको लेकर मैं क्या लूंगा नोटबुक में एग्जाम्पल है ना मैं क्या डिस्कस कर रहा वापस से बता दूं कि मेरे असर की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए तो उसमें मैंने बोला डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस आना चाहिए अब इसमें ये सारे खर्चे तो आएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है उसपे मुझे विस्तार में बात करनी है आ जाओ अब दिखा दूंगा जल्दी से आ जाओ एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग सबसे पहली बात वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इमेजिक आपको पता है इमेजिक का एक थीम पार्क है जिसमें राइड्स वगैरह होती है तो सपोज में इमेजिक है ठीक है मैंने राइड्स राइड्स वगैरह बनाया वो सारी मेरे है ठीक है लेकिन अब वो थीम पार्क चालू करने के पहले मैं उसका टेस्टिंग करेगा ना कि डायरेक्टली तुमको बुला के बोलेगा आओ झूला झूल -जुल के दिखाओ टेस्टिंग करेगा ना पहले तो वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ झूला वो अपने को मालूम करने के लिए टेस्टिंग का खर्चा इंकर करते हैं आप और टेस्टिंग करने में खर्चा लगता है तो वो खर्चा असैट को रेडी करने में बहुत रेलिवेंट है वो खर्चा वो आप बोलोगे टेस्टिंग मत करो सर

टेस्टिंग करते समय हम कोई इनकम भी जनरेट करते हैं एग्जाम्पल देता हूँ सपोज मैं मेट्रो बना रहा था जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ मुंबई में भी ताजी ताजी मेट्रो बन रही है तो मेट्रो बना रहा था मैं तो सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या करती है मेट्रो पब्लिक के लिए शुरू करे उसके पहले टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है तो टेस्टिंग का खर्चा तो मेट्रो की कॉस्ट में ऐड होएगा लेकिन अब गवर्नमेंट ने पता है क्या किया एक स्कीम निकाला बोला हम मेट्रो राइड देंगे एट रुपीज वन एट रुपीज वन लेकिन एक इसमें ना कैच है कैच ये है कि जान का खतरा है तुमको क्यों क्योंकि एक रुपए की राइड ये एक रुपए की राइड तुमको सिर्फ तभी मिलेगी जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं मेट्रो की टेस्टिंग चालू है तुमसे एक पेपर पे साइन करवाएंगे कि भाई तुमको कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्योंकि टेस्टिंग चल रही है तो गवर्नमेंट ने निकाला सबके लिए ऐसा कि भाई आ, मेट्रो राइड एक रुपए में ड्यूरिंग टेस्ट रन लेकिन पहली डिसम्बर दे दिया मर भी सकते हो भाई टेस्ट चालू है तो जैसे अपने पास है ना सुभाष था सुभाष ठीक है सुभाष था तो सुभाष ने पता है क्या किया तुमको पता है जब आ, कॉलेज टाइम वगैरह पे रिलेशनशिप रहते हैं तो मिलने का बड़ा तकलीफ होता है घर वाले को मालूम होता नहीं है तो घर पे तो मिल नहीं सकते तो अपन ढूंढते कोई पार्क में मिलते हैं कभी स्कूटी रहेगा तो स्कूटी पे आगे बैठ के पीछे बैठ के मिलकर गप्पा गुश्ती करते हैं तो सुभाष ने क्या किया सुभाष कमिटेड एग्जाम्पल में तो गर्लफ्रेंड हो सकती है उसकी तो ये सुभाष की गर्लफ्रेंड थी ठीक है उसने गर्लफ्रेंड को कॉल किया बोला बेबी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हम जैसों के लिए तो गर्लफ्रेंड बोले क्या स्कीम तो सुभाष बोला हम मिल नहीं पाते थे ना हमको जगह नहीं मिलती थी आराम से बैठने के लिए तो अभी हम एक रुपए में पूरी मेट्रो की दिन भर की राइड कर पाएंगे मस्त है एसी में बैठ के हम बातें करेंगे हमारे बच्चे का नाम रखेंगे गोला और बारूद हाँ 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 तो ऐसे सुभाष ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आओ हम मेट्रो की राइड इंजॉय करते तो मुझे बताओ ऐसे कितने निब्बा निब्बी आए रहेंगे ना मेट्रो की राइड करने के लिए तो गवर्नमेंट ऐसे टेस्ट करते समय एक एक रुपया ऐसे निब्बियों से चार्ज करता हुआ चला गया आप समझ आया सर मस्त बोलता मस्त तो प्लान है एनीवेज तो समझा तुमको गवर्नमेंट टेस्टिंग के समय इनकम कैसे जनरेट करेगा तो टेस्ट एक्सपेंस इनकर करते समय इनको कुछ टेस्टिंग के समय इनकम भी जनरेट हो गई कैसे जनरेट हुई समझ में आया क्या ठीक है तो कितनी इनकम मम्मी है मम्मी है सर एग्जाम्पल ऐसे मत दो मम्मी सुन रही है अरे कोई बात नहीं आंटी जी को भी थोड़ी दुनियादारी समझ आएगी कि उनका बेटा बेटी क्या करना में करते हैं ध्यान से देखना कभी बोले ना कि मेट्रो में जा रहे तो समझ लेना तो टेस्टिंग का एक्सपेंस करते इनकम हो गई अब इनकम कितनी हो गई थर्टी थाउजेंड रुपीज की इनकम हो गई मान लो अब द क्वेश्चन इज मैं जब असठ की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूंगा तो मैं क्या पूरा वन लाख कैपिटलाइज करूंगा या जो मेरी नेट कॉस्ट लगी है नेट कॉस्ट कितनी लगी है मेरी मेरी अगर आप देखोगे तो नेट कॉस्ट एट्टी थाउजेंड लगी है कैसे एक लाख का खर्चा किया थर्टी थाउजेंड का इनकम कमा लिया बराबर तो सेवेंटी का नेट कॉस्ट लगा है तो मैं असेट की कॉस्ट में पूरा वन लाख ऐड नहीं कर सकता आप मैं कितना ऐड करूंगा मैं बोलूंगा एड पीपी किसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना जब असेट में कोई खर्चा ऐड करते हो उसको बोलते कैपिटलाइज करना सर हम तो डेली मेट्रो में जाते हैं मुझे क्या अभी तभी तुम ये तो टेस्ट रन की बात चली है ना जो भी है <laughs> तुमको समझ आया ठीक है सर समझ गया सिंपल है देखो अभी अब अब एग्जाम्पल देना पढ़ो कितना आसान लगेगा तुमको देखो इंक्लूड्स मतलब खर्चे में क्या क्या इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन टेस्ट प्रोडक्शन करते समय अगर कोई प्रोसीड्स मिले तो उसको लेस कर देना कॉस्ट से ठीक है yes. अब इस टेस्टिंग के खर टेस्टिंग के बात को लेकर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये जो टेस्टिंग का बात किया ना इसके ऊपर अमेंडमेंट बोलो क्लैरिफिकेशन बोलो बात एक ही है अब ये क्या है इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं इधर आ जाऊ टेस्टिंग वाले बात को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है क्लरिफिकेशन है सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग सपोज आपके टेस्टिंग का एक्सपेंस वाज वन लाख ठीक है लेकिन टेस्टिंग के समय मेरी इनकम मेरे खर्चे से ज्यादा हो गई तो मेरी टेस्टिंग की इनकम हो गई वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ऐसा मान लो तो अब मेरा नॉर्मली नेट कॉस्ट होता था यहां मेरी नेट कॉस्ट नहीं मेरी नेट इनकम है कितने की ट्वेंटी थाउजेंड की अब जब मेरी इनकम मेरे खर्चे से ज्यादा है तो मैं इस नेट टेस्टिंग इनकम का क्या करूं ट्वेंटी थाउजेंड का क्या मैं इसको में ट्रांसफर करूं या मैं इसको कॉस्ट से एडजस्ट करूं अब कॉस्ट से एडजस्ट करने का मतलब कॉस्ट में एड करना नहीं होगा खर्चा होता तो ऐड करते इनकम ज्यादा तो माइनस करना चाहिए ना तो कॉस्ट से एडजस्ट करने का मतलब लेस करना होगा तो इसके ऊपर थोड़ी एम्बिक्विटी थी तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया कि आपकी जो भी एम्बिक्विटी है दूर करते हैं इसको आप पी एन एल से एडजस्ट तो करने से हमारा मतलब यहां एड नहीं यहां क्या होगा रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा कॉस्ट ऑफ पीपी से क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है खर्चे से बड़ा लॉजिकल सा चीज है अगर मैं नहीं बताता तो आप पढ़ के समझ लेते बट ठीक है एग्जाम्पल लेना अच्छी बात ही होती है वेरी गुड आदित्य पलक चारू रिधि संजय रुचा वेरी गुड इज दी वन यस चलो ठीक है तो यही अमेंडमेंट में लिखा हुआ है देखो द एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग टेस्टिंग विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पी एन एल तो जहा नोटबुक में लिखते हुए और ऐसा मार्किंग देते हुए चलनापल नोटबुक के अंदर तो जब रिवाइज करोगे तो टेक्स्ट बुक के रखोगे कंसेप्ट पढ़ोगे यहां एन लिखा है मतलब अच्छा इसके ऊपर सर ने एक्साम्पल लिखा है नोटबुक के रिवाइज करोगे आगे बढ़ जाओगे खत्म क्लियर ठीक है उसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल फीस इंकर की है तो वो भी कैपिटलाइज करना ठीक है

तो खरीदने के सारे खर्चे तो मैंने इंकर कर लिए। लिए अब उस फैक्ट्री को इनोग्रेट करने के लिए मैंने बुलाया राहुल बुला, राहुल तो तो बुला तो गांधी जी को रिबन काटने बुलाया और उनको मैंने कुछ पेमेंट किया उसको मैं बोलता हूं एक्सपेंसेस ये इनग्रेशन एक्सपेंस क्या करूंगा बोलने का नहीं मत कर देना क्यों बाबा राहुल गांधी जी आके रिबन नहीं भी काटते तो भी मेरी फैक्ट्री तो मैं यूज कर सकता था ना तो वो उनके रिबन काटे बिना भी, भी मेरी फैक्ट्री जी यू, फैक्ट्री यूज हो सकती है भाई समझ रहे होगा तुम हाँ तो ऐसा इनोग्रेशन को एक्सपेंस रहेगा एडवर्टाइजिंग प्रोमोशनल एक्सपेंस रहेगा ये सब कभी कैपिटलाइज मत करना इसलिए अपन क्या बोलते हैं डज नॉट इंक्लूड ऐसे ना इसकी भी लिस्ट एक बार पढ़ के रखने का रट्टा मत मारने बैठना समझ के लो बहुत इजी है और क्या क्या खर्चे हैं जो अपन को कैपिटलाइज नहीं करने हैं जो कॉस्ट मैड नहीं करने हैं देखो और क्या क्या खर्चे ट्रेनिंग का खर्चा कभी कभी क्या होता है असेट बना तो लिया लेकिन उसको यूज करने के लिए मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी तो एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग दी क्या वो खर्चा मैं कैपिटलाइज करूंगा तो आप बोलोगे हां सर ट्रेनिंग के बिना कैसे यूज करेंगे वो असेट ट्रेनिंग का खर्चा असेट को रेडी करने में रेलिवेंट नहीं है ध्यान रखो असेट जब तक रेडी ना हो जाए तब तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं ट्रेनिंग का खर्चा असेट को रेडी करने में रेलिवेंट नहीं है वो असेट इंप्लॉय वो इम्प्लॉय केपेबल नहीं है इसलिए तुम इम्प्लॉय को ट्रेन दे रहे हो ट्रेनिंग दे रहे हो बराबर क्या लेकिन उसको तुम ट्रेनिंग नहीं दोगे तो भी असेट यूज हो सकता है इट इज़ रेडी फॉर यूज तो इसलिए वो खर्चा कभी कैपिटलाइज नहीं होता है सिमिलरली अगर कोई एडमिन खर्चा है कोई जनरल ओवर है कोई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज है कभी कभी क्या होता है आप जब नया नया बिजनेस करते हो तो लॉसेज वगैरह एंकर करते हो बिजनेस में तो वो लॉस को आप असर की कॉस्ट से मत एडजस्ट करना सिमिलरली कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिड ऑपरेशन कभी कभी क्या होता है सपोज मैंने ना अभी हाँ मुंबई में स्टूडियो खोल कर रखा है मेरे को लगा मुंबई के स्टूडियो से मजा नहीं आ रहा है दिल्ली में स्टूडियो खोलते हैं ठीक है ये सब सेटअप लेके मैं वहाँ चला गया तो जब मैं यहाँ शिफ्ट ऐसा शिफ्टिंग मारूंगा तो शिफ्टिंग का जो खर्चा है मैं ये मेरे सेटअप की कॉस्ट में ऐड नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं शिफ्ट नहीं भी होता तो भी ये सेटअप मैं मुंबई में, में यूज़ कर सकता हूँ ना उसको बोलते हैं रीलोकेशन एक्सपेंसिस वापस से सपोज मैं मुंबई में स्टूडियो है मेरा मुंबई के स्टूडियो में सारे इक्विपमेंट्स हैं मेरे ठीक है मैंने बोला मुंबई का स्टूडियो से नहीं दिल्ली के स्टूडियो से ऑपरेट करते तो ये सारे इक्विपमेंट लेकर दिल्ली चला गया तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है इसको बोलते हैं रीलोकेशन एक्सपेंसेज इसको मैं इंकर इसको मैं कॉस्ट में एड करूँगा इनके ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंकर किए बिना भी मैं इस सबको मुंबई में यूज कर सकता था तो अगर ऐसा कोई शिफ्टिंग आप करते हो ना तो उसका जो खर्चा है कैपिटलाइज नहीं करेंगे हाँ अगर बकायदा मैं माइक पहली बार खरीद रहा हूं और मैं मंगा रहा हूँ यूएस से और वो जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने इंकर किया वो मैं कैपिटलाइज करता देखो फर्क है दोनों के अंदर समझ रहे हो तो अगर ऐसा कोई तुम ऑपरेशन शिफ्ट करते हो रिलोकेट करते हो तो उसका खर्चा कभी कैपिटलाइज मत करना है। ठीक है तो ऐसा देखो लिस्ट दिया हुआ है इनोग्रेशन एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल ट्रेनिंग एडमिन जनरल इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस रिलोकेशन के खर्चे ये सब कभी कैपिटलाइज नहीं होते उसके अलावा एक और बात की गई है इधर बाजू में इनकम एंड रेडेड एक्सपेंस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी इसका मतलब क्या सुनना इसको लेकर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको ठीक है एग्जाम्पल यही दे रहा हूँ बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है सपोज मेरे पास एक लैंड थी ठीक है लैंड ये मेरी लैंड है अब मैं लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाने का सोच रहा था क्या बनाने का सोच रहा था बिल्डिंग बनाने का सोच रहा था लेकिन काम शुरू नहीं किया अब तक तो तुमने देखा रहेगा जब तक लैंड खाली पड़ी होती है ना तो मैं क्या करता हूं पता है उसको एक कार पार्किंग की तरह यूज कर लेता हूं लैंड तो खाली पड़ी है तो बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है मेरे में। तो उनको बोलता पार्किंग करो रुपया एक घंटा बराबर तो मैंने इस लैंड को इस आइडल लैंड को आइडल लैंड को यूज करना शुरू किया लाइक अ कार पार्किंग ठीक है कंस्ट्रक्शन बिगिन आइडल अंटिल मैंने इसको कार पार्किंगल में ट्रांसफर करू क्या लगता है क्या करना चाहिए इस इनकम को क्या कॉस्ट ऑफ पीपी में एडजस्ट करूं या मैं इसको पीएनएल ट्रांसफर करूं क्या लगता है क्या करना चाहिए तो ध्यान रखना इसको आप पी एन एल में ट्रांसफर करोगे इसको आप कॉस्ट ऑफ पीपी से एडजस्ट नहीं कर सकते सर क्यों वो टेस्टिंग की इनकम को तो आपने एडजस्ट किया था एक सेकेंड क्या ये टेस्टिंग की इनकम है क्या क्या ये टेस्टिंग की इनकम है क्या देखो टेस्टिंग का क्योंकि आपन खर्चा भी कॉस्ट में कंसिडर कर रहे हैं इसलिए इनकम को भी कॉस्ट से एडजस्ट किया था ये कार पार्किंग की जो इनकम है ये तो आपके लिए मिसेलेनियस इनकम है

तो इसलिए अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको पीएनएल में वेरी गुड आंसर एवरीवन ठीक है तो हो सके तो लिख लो आजू बाजू में किधर ये चीज इधर आजू बाजू में किधर लिख लो ऐसा करके मैं बोल देता हूँ ये एग्जांपल इसको लेकर लिख के हुआ तो बताना ये साइड इनकम हाँ अखिलेश करेक्ट ये साइड इनकम है ये टेस्टिंग की इनकम नहीं करेक्ट क्लियर है हुआ तो जब भी, भी आपका लिख के होता है तो डी करके बोलना डी डी जब आप डी बोलोगे तो मुझे समझ जाएगा आपका लिख के हो गया करके डी करके बोलना डी वाई नॉट इंक्लूड एडमिन अरे क्योंकि वो आप एडमिन का खर्चा क्या होता है आपके जो स्टाफ वगैरह काम करे कंप्यूटर के ऊपर बैठकर अब वो कंप्यूटर बैठ के काम नहीं करेंगे तो भी आपका असर्ट तो कंसर्ट हो जाएगा ना यार डन चलो परफेक्ट आगे बढ़ू सबको समझ आया ना ये वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा पार्ट है उसके अलावा कैश डिस्काउंट मिला तो कैश डिस्काउंट मिला देखो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो मैं सबको दे रहा हूं बताया था ना मैंने पंद्रह ट्रिपल नाइन का प्राइस रखा सबको टेन ट्रिपल नाइन में दे रहा हूं ये डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं इसको कभी भी अपन कॉस्ट में एड नहीं करते लेकिन अगर कैश डिस्काउंट मिला तो सर एग्जाम्पल तो जरा एग्जाम्पल देता हूं सुनना एग्जाम्पल देता हूं

पेमेंट दे ना देखो डिस्काउंट दे दूंगा कैश मतलब तू ना? तो तो या नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बोलोगे बताओ बताओ वेरी गुड आप नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना तो आप कॉस्ट को टेन थाउजेंड बोलोगे और ये जो डिस्काउंट मिला ना ये आपका पी एन एल में जाएगा एज अ इनकम आपके लिए प्रॉफिट हुआ ना आपके लिए डिस्काउंट मिला तो आपके लिए फायदा हो गया तो ये इनकम साइड में जाएगा डिस्काउंट मिला करके आपको तो एक तरफ आप ऐसा दिखाओगे बैलेंस शीट में आपका पीपी -पी दिखेगा टेन थाउजेंड का और पी एन एल में आप अदर इनकम में दिखा देना फाइव हंड्रेड रुपीज ऐसा कैश डिस्काउंट के नाम का या तो अदर इनकम में दिखा देना या एक्सपेंस साइड में नेगेटिव करके दिखा देना जो भी है बट आप इसको कॉस्ट एडजस्ट नहीं करोगे कॉस्ट एडजस्ट नहीं करोगे तुमको समझा मैंने क्या बोला तो असेट की कॉस्ट आप नाइन पॉइंट फाइव के मत बोलना सबको समझा मैंने क्या बोला और एक और चीज मुझे पता है कुछ लोगों को किताब नहीं मिली होगी तो इनिशियल चार पांच दिन की जो मार्किंग है वो मैं अपलोड करूंगा मार्किंग मतलब जो टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर रहा हूं बट वो सिर्फ चार पांच दिन अपलोड करूंगा मैं उसके बाद से मैं मार्किंग्स अपलोड नहीं करूंगा तो मार्क करना अभी मैं मानता हूँ कि किताब नहीं आई होगी तो मैं कर दूंगा मार्किंग्स अपलोड बट जो बोर्ड पर लिखता हो ना बोर्ड पर ये जो नोट्स में लिख रहा हूँ मैं ऐसा बोर्ड नोट्स ये तो रोज के मिलेंगे आपको रोज के टेक्स्ट बुक की मार्किंग में रोज नहीं दे पाऊंगा बुक कॉपी है इसका कॉपीराइट मेक माई डिलीवरी के पास से मेरे को पेनल्टी पड़ जाएगी भाई ठीक है तो मैं इनिशियल डे का शेयर कर सकता हूँ आई होप दैट वर्क्स फॉर यू ठीक है यस डबल इफेक्ट कैसे मिस हो रहा है यार आप एंट्री मार के देखो आपको खुद समझ आएगा डबल इफेक्ट कैसे मिस नहीं होता है करेक्ट अक्षय करेक्ट चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आपके साथ अरे आपको एंट्री चाहिए तो एंट्री मार के दिखाओ एंट्री कैसे आएगी इसकी एंट्री कैसे बनेगी सिंपल है यार सपोज आपने पीपी खरीदा टेन थाउजेंड का तो आप बोलोगे टेन थाउजेंड पीपी टू कैशबैक कितना आएगा आपको कितना पे करना नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

इंडेस सिक्सटीन पीपी ठीक है उसमें मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं क्या डिस्कस कर रहा हूं उसमें मेजरमेंट डिस्कस कर रहा हूं अच्छा कौन सा वाला मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट अच्छा किस पे रिकॉर्ड करना है अपने को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है अच्छा कॉस्ट क्या होगी उसी की तो बात कर रहे हैं कि परचेस प्राइस आएगा ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा नॉन रिफंडेबल टैक्स आएगा डायरेक्टली एक्सपेंस आएगा उसमें टेस्टिंग का खर्चा भी आएगा टेस्टिंग की इनकम माइनस कर देना बराबर ऐसी कोई बाकी जो इनरेलीवेंट खर्चे वो नहीं आएंगे एक बार रीड करने का खर्चे को सारे बराबर उसके अलावा कार पार्किंग की इनकम कंसिडर मत करना पीएनएल में जाएगी क्या डिस्काउंट मिला कंसिडर मत करना पीएनएल में जाएगा समझ में आया क्या अरे मगज में आया गया आ गया सर अब वैसे ही कॉस्ट में एक और चीज आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डी कमिश्निंग क्या बोलते हैं उसको कॉस्ट ऑफ डी कमिश्निंग अब ये डी कमिश्निंग क्या होता है इसको बेहतर समझने के लिए वापस से क्या लूंगा नोटबुक में एग्जाम्पल आज का आखिरी डिस्कशन है ये करने के बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी तुम्हारी आ जाओ, चलो, आ जाओ जाओ चलो जल्दी आ जाओ तो सर फटाफट करो सर आ जाओ शांति से करो घाई मत करो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कराने जा रहा हूं अभी ठीक है जो. लिखूंगा एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ डी कमिश्निंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं कॉस्ट ऑफ डी कमिश्निंग इसको प्यार से डिसमेंटलिंग भी बोलते हैं डिसमेंटलिंग या फिर साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ डिस डी कमिश्निंग डिसमेंटलिंग साइट रिस्टोरेशन है इतने भारी भारी वर्ड लिखे सर हां हृदय परिवर्तन आत्मसंतुलन ये इसका क्या मतलब है डी कमिश्निंग वगैरह का मतलब बताओ सर चलो एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है तो ये ना ये मैं हूं ये मैं हूं लग रहा हूं कि नहीं स्मार्ट स्मार्ट नहीं लग रहा हूं रुको अब लग रहा हूं कि नहीं स्मार्ट लग रहे हो सर अभी तो है ना मैंने एक मशीन खरीदी ये मेरी मशीन है ठीक है ये मेरी मशीन है ऐसा मान लो ये मशीन क्या काम करती है करती है पता आपको ये ना मिनरल एक्सट्रैक्शन करती है अरे कुछ नहीं जमीन में से ऑयल वो वो सब तेल तेल का कुआ, वो सम, तेल निकालती है भाई। मिनरल एक्सट्रैक्शन करती है ठीक है अब कहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगी तो गवर्नमेंट है ना मेरे को अलाउ करता है ये गवर्नमेंट की लैंड है तो गवर्नमेंट मुझे बोलता है ये ले अपनी मशीन और इस लैंड पे यू कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल ठीक है बट पांच साल तक पांच साल तक तुम अपनी मशीन हमारे लैंड पे गाड़ दो अंदर और मिनरल निकालते जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है कम टू दुबई तेल का हाभी खोलेगी मैं ठीक है तो वैसा मैं तेल का कुआ खोलेगा इधर <coughs> तो मुझे ये साइट गवर्नमेंट ने दे दी तो मैंने क्या किया अपना मशीन इनके जमीन में गाड़ दिया गाड़ दिया मतलब इंस्टॉल कर दिया ऐसे अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर दिया वहां से मैं मशीन से तेल निकालता हुआ चलेगा ठीक है तो ये मैंने मशीन इंस्टॉल कर दी गवर्नमेंट ने मुझे एक चीज बोली बोला ए मुन्ना, ये जो तुमने हमारे लैंड में छेद किया है इसको भर के जाना बाद में ये लैंड को रिस्टोर करके जाना मतलब गवर्नमेंट ने मुझे क्या बोला ए मुन्ना ऐसन का देखा था टिकट टिकर अरे सस का नाती गए का अरे पग तुम्हारा भाई को भोजपुरी भी आती है सुनो गवर्नमेंट ने बोला साइट रिस्टोर करके जाना कंपलसरी कब रिस्टोर करके जाना पड़ेगा क्यों? क्यों? साल के बाद गवर्नमेंट ने मुझे इसको यूज करने का राइट फाइव इयर्स तक ही दिया हुआ है तो फाइव इयर्स के बाद जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई ये छेद भर के जाना उसको बोलते हैं साइट रिस्टोर करना My question to you is, is this, अभी मुझे रिस्टोर करने में खर्चा लगेगा ना फ्री में तो रिस्टोर होगी नहीं खर्चा करना पड़ेगा मुझे है ना किसी आदमी को बुलाऊंगा बोलूंगा लैंड ठीक करके दे उसका खर्चा मैं द एक्सपेंस ऑफ रिस्टोरेशन इज इट अ डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस वापस से ये जो खर्चा मैं पांच साल के बाद इनकर करूंगा इज इट अ डिरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं एक्सपेंस ये इंकर करूंगा आफ्टर फाइव आज तो इंकर नहीं करूंगा पांच साल के बाद इंकर करूंगा मेरा सवाल ये है कि क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है क्या इज इट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस तो आप बोलोगे कुछ बोलेंगे हाँ कुछ बोलेंगे ना जैसे मैं देखता हूं देवेंद्र ने बोला नहीं दिनेश ने बोला हाँ चिंदना ने बोला यस निकिता ने बोला नहीं कोमल ने बोला यस अखिलेश ने बोला यस चारू ने बोला यस और और कृष्णा ने बोला यस और ठीक है आस्था ने बोला यस ठीक है ठीक है अखिलेश ने बोला यस ठीक है अब सुन लो क्या ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चा है आंसर इज यस है सर क्यों सुनो मेरी बात एक बात बताओ अगर तुम गवर्नमेंट को बोलो नहीं करूंगा ठीक जो करना है कर ले नहीं करके दूंगा ये ठीक जो करना है कर ले तो मुझे बताओ क्या वो तुमको मशीन इधर इंस्टॉल करने को देगा

इंकर करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू एस्ट्रैक्ट मिनरल्स इफ यू वॉन्ट टू एस्ट्रैक्ट मिनरल तो तुमको ये इंकर करना ही पड़ेगा बॉस तो क्या ये डायरेक्टली एट्रीबिटेबल खर्चा है द आंसर इज यस yes. लेकिन इसमें एक कैच है अच्छा डायरेक्टली एट्रीबल खर्चा तो है तो क्या ये कॉस्ट में ऐड होएगा असट की सर अच्छा की कॉस्ट में करना पड़ेगा आपको लेकिन एक प्रॉब्लम है यह खर्चा मैं आज नहीं इनकर करूंगा पांच साल के बाद इनकर करूंगा खर्चा मैं आज नहीं करूंगा पांच साल के बाद इनकर करूंगा सोच समझ के बताओ अगर थोड़ा तुम्हारा फाइनेंस वाला बुद्धि चलता है कोई खर्चा आज नहीं इंकर करूंगा पांच साल के बाद इनकर करूंगा गर गर लेकिन कॉस्ट ले में तो आज ऐड करना है ना देखो ये मेरा डे वन है मुझे डे वन की कॉस्ट में एड करना है बट मैं खर्चा फाइव के बाद करूंगा तो बताओ ये खर्चे को मैं कौन से वैल्यू में ऐड करूंगा बताओ ये खर्चे को मैं कौन से वैल्यू पे डे वन पे ऐड करूं कॉस्ट में वेरी गुड आंसर मेरे को अंजलि और किसने आंसर किया श्रद्धा ने आंसर किया कृष्णा ने आंसर किया है वेरी गुड मोहित ने आंसर किया है बहुत बढ़िया क्या आंसर किया है कि सर करोगे कंसिडर बट प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि आज का इंकर किया गया एक रुपया और पांच साल के बाद इंकर किया गया एक रुपया में फर्क है ना यार तो आप क्योंकि पांच साल के बाद इंकर करोगे

फॉर रुपीज टेन लैक्स ठीक है लिखो आगे डी कमिशनिंग स्लैश डिसमेंटलिंग स्लैश साइट रिस्टोरेशन साइट रिस्टोरेशन का खर्चा कितना आफ्टर फाइव ईयर्स इंकर करना ऐसा मान लो ठीक है पांच लाख इंकर करना आफ्टर फाइव ईयर्स ठीक है डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट मान लो आपको पता है ये सब आपके एएस में भी था बट मैं मान रहा हूं कुछ नहीं आता आपको इसलिए एकदम विस्तार में डिस्कस कर रहा हूं ठीक है काफी लोग को ऐसा लगता रहेगा ये पड़ा हुआ लग रहा है किधर किधर था तुम्हारे इसमें टेन परसेंट मान लो डिस्काउंटिंग फैक्टर ठीक है चलो तो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे सर अब ये एग्जाम्पल बन गया अपना ठीक है अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं अपन इसका सोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होएगा सबसे पहले अपने को निकालना है डे वन पे

सब लोग ट्राई करेंगे टोटल कॉस्ट साक्षी टोटल कॉस्ट गौरव ने करेक्ट आंसर किया सबसे पहले टोटल कॉस्ट है टोटल मतलब टेन लैक्स करने के बाद वाली जल्दी से बताओ रुचा रॉन्ग आंसर है अरे थोड़ा दिमाग ला के आंसर करो ट्वेंटी एट आंसर कैसे हो सकती है रुचा मैडम जब खर्चा दस और पांच लाख का है तो ट्वेंटी एट कहां पहुंच गया आपका देवेश करेक्ट है आयुष करेक्ट है स्नेहा निकिता भूषण करेक्ट है साक्षी चारू करेक्ट है नहीं चारू रॉन्ग है आपका भी आंसर देवेश करेक्ट है शिवम करेक्ट है अक्षय करेक्ट है कबीर यश करेक्ट है शिवम आपका आंसर रॉन्ग है नहीं श्रद्धा संजना करेक्ट है मोहम्मद करेक्ट रुचि रॉन्ग साक्षी करेक्ट चलो शंभू करेक्ट है सुन लो अब मैं करूंगा आजा। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है सुन लो कैसे निकालोगे अरे बड़ा सिंपल है यार एक तो टेन ये तो आएगा ही या आएगा यार इतने बड़े हो गए निकालना आता प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे फाइव लैक्स डिटनो रेस टू फाइव मतलब कैलसी पे करना तो कैसे करोगे ये लो ऐसा लेने का फाइव लैक्स डिवाइड बाय पॉइंट वन जीरो और इक्वल टू पांच बार दबाने का डिवाइड बाई वन पॉइंट वन इक्वल टू दबा पांच बार एक दो तीन चार पांच क्या आंसर आता है ऐसा आता आंसर ये आपकी टोटल कितना हो गया थर्टीन लैक टेन थाउजेंड फोर सिक्सटी वन राइट आया तो वेरी गुड रॉन्ग आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिर्फ देखना आपने कहा गलती की है कोई शर्म की बात नहीं है रॉन्ग आया तो आंसर ठीक है क्या अपन इंसान है भगवान थोड़ी ना है क्लियर ठीक है ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ असेट अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी देखना जरा ठीक है आपकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी डे वन पे सबसे पहला आप पीपी रिकॉर्ड करोगे पीपी अकाउंट डेबिट कितने पे रिकॉर्ड करना है थर्टीन टेन फोर सिक्सटी वन कर लिया रिकॉर्ड टू कैश बैंक करेंगे अच्छा आपने पेमेंट कितना किया है क्या हमने अभी पूरा पेमेंट कर दिया है क्या ये वाला नहीं पूरा पेमेंट थोड़ी ना किया अब तक हमने सिर्फ पेमेंट कितने का किया अब तक दस लाख का पेमेंट किया अब तक सिर्फ बोलूंगा टू कैश बैंक टेन लैक्स ठीक है टू कैश बैंक कितना है टेन लैक्स उसके अलावा अब ये जो अमाउंट है थ्री लाख टेन थाउजेंड फोर सिक्सटी वन ये एक ऐसा अमाउंट है जो मैंने कॉस्ट में तो ऐड किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो इसका क्या बनेगा जब भी ऐसा कोई अमाउंट है जो पे करना बाकी है तो उसका अपन लाइबिलिटी या प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो मैं बोलूंगा टू प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग कितना थ्री टेन फोर सिक्सटी वन सर क्यों इंकर In बाकी है ना ऐसा समझ लो खर्चा हो गया लेकिन आपने अब तक तो पे नहीं किया तो लाइबिलिटी बन जाती है प्रोविजन बन जाता है सिंपल ठीक है तो अपन बोलेंगे प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग सिंपल क्लियर है वाला पार्ट मतलब डे वन पे अपन ने क्या बना दिया प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग बना दिया सब लोग को यहां तक समझा पक्का समझा यहां तक ठीक है सर अब एक और बात दिल पे हाथ के बताओ दिल पे हाथ के लाइबिलिटी कितने का बनाया है थ्री लैख टेन थाउजेंड फोर सिक्सटी वन का दिल पे हाथ रख के बताना पांच साल के बाद पेमेंट कितना करना है थ्री लाख टेन का पेमेंट करना है पांच साल के बाद या फाइव लैख का पेमेंट करना है पांच साल के बाद सोच समझ के बताओ वापस से मैंने आज प्रोविजन बनाया थ्री लाख टेन का लेकिन मैं पूछ रहा हूं पांच साल के बाद पेमेंट कितने का करोगे पांच का करोगे या थ्री टेन का करोगे वेरी गुड आंसर पांच साल के बाद पेमेंट तो फाइव लैक्स का करना है ना यार पेमेंट तो फाइव लैक्स का करना है ना यार तो आपने प्रोविजन कम क्यों बनाया सर अब यहां आता है एक और कंसेप्ट मेरे बात ध्यान से सुनना हम सब अग्री करते हैं प्रोविजन कम बना है पेमेंट ज्यादा करना है ठीक है तो आपको इसको बोलते प्रेजेंट वैल्यू आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकाला है ठीक है और ये फाइव लैक्स है फ्यूचर की वैल्यू ये पांच साल बाद की वैल्यू है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे है ना आ जाओ इधर इधर मैं लिख देता हूं थ्री लैख टेन थाउजेंड फोर सिक्सटी वन इसमें मुझे पांच साल के बाद आफ्टर फाइव इयर्स इंकर कितना करना है उसको बोलता हूं फ्यूचर वैल्यू मेरी फ्यूचर वैल्यू है फाइव लैक्स तो आपको हौले होले धीरे धीरे थ्री लाख टेन से फाइव लाख की ओर बढ़ना पड़ेगा जब आप ऐसा बढ़ोगे ना ऐसे कैसे बढ़ जाओगे सर एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का नाम है अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट सुनना जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ते हो तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं अनवाइंडिंग अब ये होगा कैसे वो मैं सिखाता हूं आपको दो मिनट रखना पेशेंस आपको सब समझ जाएगा ठीक है इसका टेबल बनाने का प्यारा प्यारा तो मैं बनाता हूं वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है इसका नाम देंगे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग है ना एग्जाम्पल में अपना ओपनिंग प्रोविजन कितना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन कितना है थ्री लैख टेन थाउजेंड फोर सिक्सटी वन अब आप इस पे इंटरेस्ट लगाओगे टेन परसेंट का जो अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर था ना उतना उतना इंटरेस्ट लगाते हुए चलना हर साल ठीक है तो मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट तो कितना हो गया थ्री टेन फोर्टी सिक्स थ्री टेन फोर्टी सिक्स अब बस आपके ओपनिंग में ये इंटरेस्ट एड कर देना आपके ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड कर देना तो मैं कर देता हूं प्लस टेन परसेंट तो कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा जाएगा मेरा ये जो आपने इंटरेस्ट ऐड किया ना इसी को बोलते अनवाइंडिंग ये क्या कर रहे हो सर आप ऐसा समझ लो आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो हले होले टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता हुआ चलेगा बस यही मैं बढ़ाता हुआ चल रहा हूं आप देखो मैंने क्या बोला पेमेंट तो पांच लाख का करना है ना तो कहीं ना कहीं थ्री लाख टेन से फाइव लाख तक का प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा ना अपने को तो इस बढ़ाने को ही बोलते हैं अनवाइंडिंग बट एक साथ नहीं बढ़ाओगे हर साल हल्का हल्का बढ़ेगा हर साल हल्का हल्का बढ़ेगा हायर परचेज परचेजा टेबल करेक्ट साक्षी करेक्ट तो हर साल टेन टेन परसेंट इंटरेस्ट एड करते हुए चलना और कुछ नहीं इधर आ जाओ सेकंडा करके दिखाता हूं और क्लैरिटी मिलेगा ईयर इू अब यहां ओपनिंग में यहां का क्लोजिंग लिखोगे तो लिखोगे थ्री फोर वन फाइव जीरो सेवन फिर वापस से करो, करो लगाओ इंटरेस्ट, तो तो कितना आएगा? 3, 4, 1, 5, 1. तो कितना आएगा? अब ऐड वापस प्लस आ गया? सेवन या फाइव एट ले लो चलो मैं 5, ले लेता हूं, मेरा टैली हो जाएगा इससे, थर्ड ईयर में सेम अभी मैं कर रहा हूँ फटाफट से ठीक है थ्री सेवन फाइव सिक्स एट वापस से लगाओ टेन परसेंट तो कितना थ्री सेवन फाइव सिक्स सिक्स आ जाएगा प्लस इक्वल टू करोगे फोर वन थ्री टू 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 ले लो टू टू फोर ले लो मेरे ख्याल से बराबर फोर्थ ईयर में फोर वन थ्री डबल टू फोर इस पर टेन परसेंट फोर वन थ्री टू टू या आ जाएगा फोर फाइव फोर फाइव फोर सिक्स ले लो फिर फिफ्थ ईयर के ओपनिंग में फोर फाइव फोर फाइव फोर सिक्स इंटू टेन परसेंट करना तो आपका आएगा फोर फाइव फोर फाइव फोर एड करोगे टोटल कितना हो जाएगा पांच लाख कितना हो जाएगा आपका पांच लाख ऐसा बस यही जो आपने इंटरेस्ट वाला किया ना काम इसी को क्या बोलते हैं अनवाइंडिंग कहते हैं इसको ठीक है अब इस इंटरेस्ट की हर साल जर्नल एंट्री आएगी एवरी ईयर क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री एवरी ईयर इसकी क्या आएगी जर्नल एंट्री एक बार हो सके तो सिर्फ समझ लो बाद में कॉपी कर लेना चाहिए तो ठीक है सुन लो अभी एंट्री कैसे आएगी मुझे बताओ मुझे हर साल प्रोविजन इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है जैसे अपनी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी थ्री लाख टेन से मुझे फाइव लाख पर लेके जाना है तो मुझे हर साल प्रोविजन मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है कि डिक्रीज करनी है जल्दी से बताओ वेरी गुड आंसर इंक्रीज करनी है

एंट्री मारूंगा एवरी ईयर के एंड पे ठीक है तो ईयर वन के एंड पे मैं पहली एंट्री क्या मारूंगा ये इंटरेस्ट आना इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह होता है अपने लिए तो मैं ऐसा एंट्री मारूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि मेरा जाएगा पीएनएल में टू आपने कहा ना लाइबिलिटी बढ़ाना है तो प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग बढ़ा दूंगा समझा थ्री वन जीरो फोर सिक्स थ्री वन जीरो फोर सिक्स अमाउंट कैसे आया फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट वाला अमाउंट बराबर सेम एंट्री सेम एंट्री मैं ईयर टू में मारूंगा सिर्फ देख लो पहले प्लीज सेम एंट्री मैं ईयर टू के एंड पे मारूंगा बराबर ये मैंने एंट्री मारी अमाउंट क्या रहेगा जो टू का अनवाइंडिंग का अमाउंट है वो थ्री फोर वन फाइव वन थ्री फोर वन फाइव वन सेम एंट्री सेम एंट्री मैं ईयर थ्री के एंड पे मारूंगा अमाउंट क्या रहेगा जो थर्ड ईयर का मेरा अमाउंट है वो थ्री सेवन फाइव डबल सिक्स थ्री सेवन फाइव डबल सिक्स बराबर सेम एंट्री मैं फोर्थ ईयर के एंड पे मारूंगा मेरा अमाउंट क्या रहेगा जो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है फोर वन थ्री डबल टू फोर वन थ्री डबल टू सेम एंट्री मैं फिफ्थ ईयर के एंड पे मारूंगा ईयर फाइव के एंड पे अमाउंट क्या रहेगा फोर फाइव फोर फाइव फोर फोर फाइव फोर फाइव फोर जब आपने ये सारी एंट्री मारी तो मुझे बताओ फिफ्थ ईयर के एंड पे आपका प्रोविजन का अमाउंट कितना हो चुका है देखो आपके प्रोविजन का अमाउंट डे वन पे आपने बनाया था और उसके बाद आपने इतनी सारी वैल्यू से इंक्रीज किया उसको तो प्रोविजन अब कितना पहुंच चुका है बुद्धिमाने की बात है टेबल से ही दिख रहा है प्रोविजन अब फाइव लैख पहुंच चुका है और यही वो दिन है जिस दिन अपने को इसका पेमेंट करना है यही वो दिन है जिस दिन अपने को इसका पेमेंट करना है तो फिफ्थ ईयर के एंड पे एक और एंट्री आ जाएगी ईयर फाइव के एंड पे एक और एंट्री आ जाएगी वो एंट्री क्या होगी क्योंकि अभी प्रोविजन पे हो जाएगा तो प्रोविजन डेबिट करोगे तो प्रोविजन फॉर डी अकाउंट डेबिट टू 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 कैश बैंक कितना पूरा पांच लाख का आपने कर दिया पेमेंट पूरे पांच लाख का आपने क्या कर दिया पेमेंट कर दिया बराबर ये आपकी एंट्रीज खत्म हो गई ऐसा होता है अब है ना मुझे सिर्फ एक मिनट दे दो मैं ये पूरा कर का दिमाग के अंदर बिठा दूंगा अभी एक मिनट दे दो मुझे बस लिखा तुमने यहां तक डन ठीक है अब मुझे एक मिनट दे दो आपको पूरा समझाता हूं वापस से रिवाइज कराना चाहूंगा फिर आप कॉपी करने का टाइम देता हूं मैं आपको सुनो क्या बताया मैंने आपको डी कमिश्निंग की बात कर रहे हैं मैंने क्या बोला डी कमिश्निंग इज अ डायरेक्टली एड एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में कौन से वैल्यू पे ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे ठीक है कर दिया प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड एसेट की कॉस्ट में इतना ही ऐड होता है ठीक है तो एड किया प्रेजेंट वैल्यू पे मेरा प्रोविजन दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे अब पे इतना तो नहीं करना है पे ज्यादा करना है तो प्रेजेंट वैल्यू से जाएंगे फ्यूचर वैल्यू की तरफ उस प्रोसीजर का नाम क्या है अनवाइंडिंग ठीक है अनवाइंडिंग करूंगा अनवाइंडिंग कौन से रेट पे करना है एवरी ईयर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था उस रेट पे टेन परसेंट पे सिंपल तो कुछ नहीं करना टेबल बनाने का ओपनिंग प्रोविजन लिखो टेन परसेंट अनवाइंडिंग करो क्लोजिंग लिखो ये क्लोजिंग बनेगा यहाँ का ओपनिंग टेन परसेंट अनवाइंड करो क्लोजिंग लिखो ऐसे करते करते आप डे वन की वैल्यू से फिफ्थ ईयर के एंड पे फ्यूचर के वैल्यू तक पहुंचाओगे हो गया बस अब इस इंटरेस्ट की एंट्री मारने का सिंपल सी एंट्री है प्रोविजन बढ़ाने का हर साल तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन अमाउंट अपने को यहां से मिल जाएगा ये जब आप हर साल एंट्री मारोगे तो आपका प्रोविजन ऑटोमेटिकली फाइव लैस तक पहुंच जाएगा बस उसको आप अभी पे ऑफ कर देना तो प्रोविजन टू कैश बैंक हो जाएगा ये मैंने आपको पूरा डी कमिशनिंग अकाउंटिंग समझा दिया पूरा का पूरा क्या तुमको समझ में आता है क्या पहले मुझे ये बताओ बोलो यस और नो समझ में आ गया परफेक्ट अब एक बार यहां आके देख लो नोटबुक के अंदर पॉइंट नंबर डी कॉस्ट ऑफ डी कमिश्निंग हमको वैल्यू पे कंसिडर करना है उसको बोला वो भी है प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करना है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है एट ईच ईयर एंड अनवाइंड द डिस्काउंट एज दी ऑफ डी हैज बीन रिकॉर्डेड प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि तुमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो क्या करना पड़ेगा अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग की एंट्री क्या रहेगी फिनेस चार्ज या इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर दैट्स इट इसी के ऊपर आपने एग्जाम्पल डिस्कस किया पूरा का पूरा या आपका डी वाला कमिश्निंग्जाम्पल खत्म हो गया इस दिस क्लियर टू बोलो फटाफट से यस और नो यस अब मैं आपको लिखने का टाइम दू उसके पहले काम करते हैं पहले जो मैंने आपको इंडे सिक्सटीन में पढ़ाया वो रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद क्योंकि क्या कुछ बच्चों को ऑफिस के लेट हो जाएगा रिवाइज करा दूंगा फिर जिसको लेट हो रहा है चले जाना और लास्ट में फिर दो मिनट बोर्ड नोट ओपन रख दूंगा तो आप कॉपी कर लेना वर्क्स ठीक है आ जाओ

Go. सबसे पहला आपने शुरू किया इंडे सिक्सटीन के साथ इसका नाम क्या है पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले आपने डेफिनेशन की बात की तीन पॉइंट है टेंजिबल आइटम होना चाहिए हेल्ड फॉर यूज धंधे में यूज होना चाहिए और इसका लाइफ शुड बी मोर देन वन ईयर एक्सपेक्टेड टू तो बी यूज फॉर मोर देन वन ईयर मोर देन वन ईयर यूज करोगे तभी तो असट है वरना तो एक्सपेंस हो जाता ठीक है उसके अलावा मैंने क्या बोला पीपी ऑल्सो इंक्लूड बैरर प्लांट नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ बैरर प्लांट बैरर प्लांट का सिंपल सा यह मतलब है आपके लिए कि जो अपने बायोलॉजिकल असेट में लिविंग प्लांट और एनिमल होते हैं उसके लिविंग प्लांट के दो बाइफर्केशन बैरर नॉन बैरर मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका लाइफ इज मोर देन वन ईयर उसको बोलते हैं बेरर प्लांट मैंने बताया था ना बैरर प्लांट फार्मर के लिए उस एक मशीन की तरह ही है तो इसलिए वो बैरर प्लांट को आप इंडिया सिक्सटीन में कवर करोगे सिंपल ये हो गया दो डेफिनेशन सेकेंड रिकोग्निशन किसी भी असट को रिकॉर्ड कब करोगे जब दो कंडीशन मीट करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए एंड इट्स कॉस्ट कैन मेजर मजट

नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करना मतलब कोई जीएसटी भरा है उसका अगर रिफंड मिलने वाला है क्रेडिट मिलने वाला है तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होएगा क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट में ऐड होएगा ठीक है उसके अलावा ऑल दी डायरेक्टली एड्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस रीडिंग करने का इंप्लॉय कॉस्ट कॉस्ट ऑफ साइट डिलीवरी खर्चा इंस्टॉलेशन खर्चा अब आएगा इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग टेस्टिंग का खर्चा है तो इनकम को नेट करने के बाद जो खर्चा बचता है वो कैपिटलाइज करना कभी कभी इनकम ज्यादा होगी खर्चे से तो जो नेट इनकम है

लैंड को की तरह किया, तो उसकी भी में में मत करना, में डाल देना। उसके अलावा कोई कैश मिला, तो एक कैश भी से मत करना, करना, इसको आप अलग से में ठीक है? उसके अलावा लास्ट चीज अगर कोई भी डी कमिश्निंग का खर्चा इंक्लूड करना है तो कॉस्ट में ऐड करना लेकिन क्योंकि ये आज नहीं करना है कुछ सालों के बाद इंकर करना है तो इसको आप जब इंक्लूड करोगे

नहीं ये इतना ही आज पढ़ा है और कुछ नहीं है ठीक है तो आज की सभा समाप्त होती है एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जब कल आओगे तो जितना मैंने इंडिया सिक्सटीन पढ़ाया है वो रिवाइज करके आना सेकेंड चीज जो मैंने स्केड्यूल थ्री भी पढ़ाया था आपको आज वो भी रिवाइज करके आना उसके अलावा ये जो डी कमिश्निंग एग्जाम्पल है ना हो सके तो एक रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस जरूर करना ठीक है उससे क्या होगा उससे आपकी पकड़ बनी रहेगी इस एग्जाम्पल के ऊपर भले कितना भी इजी लगे एक बार खुद से लिख के किया तो मजा आ जाएगा ठीक है तो आपको क्या बोला मैंने आज जितना स्केड्यूल और पढ़ा इंडिया पूरा रिवाइज करोगे ठीक है और ये एग्जांपल एक रफ में लिख के प्रैक्टिस ठीक है इतना किया ना मजा आ जाएगा ये करे बिना कल आ मत जाना ठीक है ये हुआ तो ही आना ओके अच्छा अब जिसका कॉपी करना बाकी है मतलब जो रिकॉर्डेड देख रहा है फटाफट से वीडियो पॉज करो कॉपी कर लो जो लाइव देख रहा है वो कॉपी कर लो देता हूं टाइम जो रिकॉर्ड देख रहा है पॉज किया कॉपी किया ये ठीक है अब वापस से पॉज करो कॉपी करो किया पॉज कॉपी ठीक है अब पॉज करके वापस कॉपी करो ये ये वाला पार्ट एंट्री सेम है पॉज करके किया कॉपी परफेक्ट चलो तो अब मैं सेशन एंड कर देता हूं फटाफट से जो बच्चे लाइव देख रहे हैं टेंशन मत लो लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं एक बार सेशन एंड करने दो मुझे ठीक है तो शुक्रिया एवरी वन थैंक यू सो मच आई होप आप कल रिवाइज करके आओगे भाई रिवाइज करके आना ठीक है तो शुक्रिया थैंक यू सो मच बाय अवी वन केयर सी यू ऑल बाय बाय ये लो कॉपी कर लो फटाफट से अभी ठीक है जल्दी कॉपी कर लो कहां से बाकी है यहां से बाकी होगा ये लो कॉपी करो जब हो जाए तो डीडी करके बोलते हुए चलना ठीक है डीडी करके बोलते हुए चलना और कुछ क्वेरी से तो पूछते हुए चलो मैं रिप्लाई करता हूं आपको वाई शुड बी नॉट डेबिट पीपी इन स्टेड ऑफ इंटरेस्ट किसने पूछा ये क्वेरी शशांक ने पूछा है। शशांक अनवाइंडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से होता है है ना? अगर पीपी में ही डेबिट करना होता तो मैं पहले ही पांच लाख ले लेता मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाता ही क्यों है ना इसलिए बाकी जिसका हो गया बाय ठीक है जिसका भी हो गया बाय बाय मीन सर अच्छा सर वो चार्ट दिखा दो ना वो मैं अंजलि अपलोड करूंगा बोर्ड नोट्स वहां से कॉपी कर लो ठीक है चार्ट ओके क्लियर है वो हो गया ये तो हो गया ना अभी एंट्री ले लो एंट्री ले लो लास्ट सेशन के डाउट चारू मुझे आप आपको मैंने पर्सनल टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप प्रोविजन का अमाउंट थ्री फोर्टी वन पांच साल में क्यों डिवाइड नहीं कर रहे पांच साल में क्यों डिवाइड करेगा अमित क्या लॉजिक है पांच साल में डिवाइड करने के पीछे आपने ऐसा क्यों बोला मेरे को आप लॉजिक बताओ वाई अंडर फाइव ईयर्स कार का इंश्योरेंस कैपलेस होता है क्या होता है ना नायन? होता है जो भी खर्चा रेलिवेंट है वो परचेस कॉस्ट में आ जाता है आपके तो कैपिलेस हो जाते हैं साक्षी वो एमसी को मैं डिस्कस कर लूंगा ऐसा टेंशन मत लो ठीक है ठीक है रुचि आई विल ट्राई नहीं यस दैट बी पॉसिबल विधि इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना भी नहीं है आपको किसने बोला इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है मैंने बोला भी नहीं इंटरेस्ट कभी कैपिटलाइज करना है सिर्फ प्रोविजन का जो अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू वाला वो कैपिटलाइज होता है इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में जाता है से थोड़ा सा मिस हो गया ड्यू टू लाइक कोई बात नहीं जितना मिस हुआ ये मैं सेशन अपलोड करूंगा बैकअप में आपको एक व्यू मिलता है तो आप देख सकते हो बैकअप वाला ठीक है बारह बजे तक अपलोड कर दूंगा परफेक्ट शशांक आपने एकदम सही बोला है

सट का कैरिंग अमाउंट चेंज हो रहा है क्या नहीं ना अपन तो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे तो आस की कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है ठीक है जैसवाल आपके मैसेज खुशी रिसीव हो रहे डोंट वरी ओके मोस्ट वेलकम युक्ता चलो डन ये लिख के ठीक है चलो थैंक यू सो मच कुछ क्वेरीज है तो पूछ लो मैं एक बार यूट्यूब का सेशन एंड कर रहा हूँ ठीक है बाय बायूट्यूब वालो बाय बाय